मिलेंगे। तो बेसिकली बात, एक मिनट मैं रिकॉर्डिंग ऑन कर रहा हूँ क्योंकि काफ़ी सारे लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि रिकॉर्डिंग ऑन कर दें। तो ये सबसे पहला आपका स्टेप होगा कि आप यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं इस वेबिनार को ज्वाइन करने के लिए। तो हर किसी की ख्वाहिश होती है कि आसान और हलाल रिस्क ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो इसमें रिस्क भी आसान है और हलाल भी है, और ये आजकल ग्रोइंग मार्केट है। तो इंशाल्लाह ताला हम अभी से स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा, और मैं दोबारा से आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इस वेबिनार को ज्वाइन किया है। तो मैं स्क्रीन शेयर करने लगा हूँ, और काइंडली अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप एंड में मुझसे कर सकते हैं, और दरमियान में अगर कोई ऐसा कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन हो तो आप अपना खुद का माइक अनम्यूट कर सकते हैं, और दोबारा आप जो है ना अपने माइक को अनम्यूट कर दीजिएगा। तो मैं स्क्रीन करने लगा हूँ अपनी। जी मेरी आवाज़ आ रही है उसमें भाई? जी शुभ भाई, आ रही है आपकी आवाज़? चलें ठीक है, ये एक अच्छा, दोस्त पता नहीं जिन लोगों को मैसेज। आवाज नहीं आ रही ना, स्पीकर का ऑप्शन है, शुएब भाई के अलावा ना आप ये तमाम सब भाई ठीक। कार्डली अपना अपना जो है वो माइक्रोफोन जो है उसको ऑफ कर रहे हैं। जी शुएब भाई, मैं भी माइक्रोफोन ऑफ कर रहा हूँ, आप उसामा बिस्मिल्लाह पढ़ें। हाँ जी उसामा भाई, सिर्फ एक बात है कि जिन लोगों को आवाज नहीं आ रही ना, वो अपने स्क्रीन पे देखें, स्पीकर का ऑप्शन आ रहा होगा, स्पीकर के ऑप्शन पे प्रेस करेंगे तो वहाँ डिवाइस की बजाय स्पीकर पे प्रेस कर दें तो आपको क्लियर आवाज आएगी उधर से ना। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपको मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है? हेलो, जी बिल्कुल आ रही है। अच्छा चलो ठीक हो गया, जी शुक्रिया। जी शुएब भाई, सब जी कुछ सर आ क्लियर रही है? है। ठीक है सब कुछ? ठीक है, आज का जो हमारा इंट्रोडक्टरी सेशन होगा वो मिसाल के तौर पे फ्रीलांसिंग और अमेज़ॉन और ई कॉमर्स जो प्लेटफॉर्म है मिसाल के तौर पे जो हम यूज़ करते हैं अपनी फ्रीलांसिंग कैरियर के लिए, तो आज का जो है ना हमारा मेन टॉपिक यही पे होगा। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश अपनी पूरी करूँगा, हालांकि मैं इतना लेवल का नहीं हूँ, और कोशिश पूरी करूँगा कि आपके सारी जो कन्फ्यूजन है वो पहले ही टॉपिक में क्लियर हो जाएं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आप लोग मिसाल के तौर पर क्या क्या सीखेंगे इसमें। एक तो आप सीखेंगे कि ऑनलाइन बिजनेस या ई कॉमर्स क्या है, और इसके बेनिफिट्स वगैरह क्या हैं, और इसमें से आप कैसे अर्न कर सकते हैं। ठीक है ना, और आखिरी बात जो होगी वो फ्रीलांसिंग के लिहाज से होगी। इंशाल्लाह ताला यहाँ पे आपके जो भी क्वेश्चन होंगे वो मैं कोशिश करूँगा कि वो सारे के सारे आपके क्लियर हो जाएं। तो दूसरी स्लाइड की तरफ चलते हैं। तो बेसिकली ई कॉमर्स दुनिया में दो तरह के काम होते हैं, एक एक कॉमर्स के ज़रिए और दूसरा होता है ई कॉमर्स के ज़रिए। एक हम कहते हैं जो फिज़िकल तिजारत जिसको कहते हैं, जैसे आप शॉप लगा लें, फिज़िकल जिसकी एग्जिस्टेंस हो उसको हम कॉमर्स कहते हैं मिसाल के तौर पर, फिज़िकल तिजारत ये हो गई। और दूसरी हम जो इंटरनेट के थ्रू तिजारत करते हैं, इंटरनेट के थ्रू बाइंग सेलिंग करते हैं, उसको हम ई कॉमर्स का नाम देते हैं। ठीक है ना, तो इंटरनेट के ऊपर जो भी सेलिंग और बाइंग हो रही है, मिसाल के तौर पर पाकिस्तान में बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म दराज है, और इसमें एक दूसरा प्लेटफॉर्म ओएलएक्स भी आ जाता है, लेकिन वो सी टू सी है, कंज्यूमर टू कंज्यूमर के लिए है। ठीक है, तो जो सबसे बड़ी ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म है वो पहले नंबर पे अमेज़ोन आता है, और दूसरे नंबर पे ईबे आता है, फिर वॉलमार्ट आता है, एट्सी आता है। अमेज़ॉन जो है ना दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स वेबसाइट है, और इसमें बहुत सा पोटेंशियल है अगर आप सीरियस हो के इस चीज़ को सीख लें। तो इंशाल्लाह ताला मैं कहता हूँ कि अगर पूरा पाकिस्तान भी इस काम को सीख ले और सर्विसेज देने लग जाए तो इसका काम ख़त्म नहीं होने वाला। ठीक है, फोकस भी अमेज़ॉन पे ही होगा क्योंकि आमिर भाई माइक अनम्यूट करते जाएँ, जो न्यू पार्टिसिपेंट आए ना उनका माइक अनम्यूट कर दिया करें, तो इधर से मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता हूँ। ठीक है ना, जी बहुत शुक्रिया। अब मैं कह रहा हूँ कि अमेज़ोन ही क्यों, अमेज़ोन जो है ना दुनिया की बहुत बड़ी वेबसाइट है, और इसमें तकरीबन 9.5 बिलियन सेलर्स हैं। ये सेलर्स की बात कर रहा हूँ, ये मैं बायर की बात नहीं कर रहा। और इसका रेवेन्यू जो है ना तकरीबन 386.1 बिलियन है, ये 2020 के जो है ना वो रिकॉर्ड्स में से है। और पाकिस्तान की कुल जो जीडीपी चल रही है वो तकरीबन 280 बिलियन के करीब है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि सिर्फ अकेले अमेज़ॉन का रेवेन्यू जो है ना पाकिस्तान की जीडीपी से ज़्यादा है। तो मिसाल के तौर पर पोटेंशियल तो इसमें है, अगर इसको पीछे देखा जाए 2017 में
तो ये तकरीबन 200 के करीब इसका रेवेन्यू था। तो आहिस्ता आहिस्ता ये मार्केट ग्रोइंग कर रही है, लोग इसमें इंटरेस्टेड हो रहे हैं और जो है ना अपना बिजनेस इस पे ज़्यादा से ज़्यादा लॉन्च कर रहे हैं। और एक बात ये भी है कि इसमें मिसाल के तौर पर अभी कोरोना पेंडेमिक आया है तो बहुत से लोगों के बिजनेस जो है ना वो ख़त्म हो गए थे, लेकिन जो ऑनलाइन बंदा बिजनेस कर रहा था तो वो माशाल्लाह से उसने कभी भी इतना जंप नहीं देखा होगा जो उसने इसी ऑनलाइन फील्ड में जंप देखा है। जो लोग अपना बिजनेस जो है ना ऑनलाइन पे शिफ्ट कर गए तो वो तो माशाल्लाह से जिसको कहते हैं सयाने थे, उन्होंने अच्छी अर्निंग की, वरना जो रह गए थे तो उनका जिसको बोले कि वो ख़त्म ही हो गया उनका बिजनेस, अब वो चल ही नहीं रहा है। तो इंशाल्लाह आगे भी हो सकता है कि ऐसी जिसको कहते हैं कि हालात पैदा हो जाएं, जैसे अभी कोरोना की वजह से हालात पैदा हुए हैं, तो हर बंदा कोशिश यही कर रहा है कि अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेके जाए। तो ऑनलाइन लेने का मकसद यही है कि सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, जो बंदे एक्सपर्ट होंगे वो उन लोगों को हायर करेंगे जो बिजनेसमैन होंगे। तो आगे इंशाल्लाह ताला जो है ना ये फील्ड जो है ना ग्रो करने वाली फील्ड है, और ये एक सॉफ्ट स्किल है। मज़े की बात ये कि ये एक सॉफ्ट स्किल है, एक हार्ड स्किल नहीं है। आप मिसाल के तौर पर सॉफ्ट स्किल की बात यही है कि इसमें आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगता सीखने में और आपको कमाने में भी टाइम नहीं लगता है। हार्ड स्किल मिसाल के तौर पर एक ग्राफिक डिज़ाइनिंग है या वीडियो एडिटिंग है ना, तो उसमें आपको काफ़ी अरसा लग जाता है सीखने में, और उसके प्रोजेक्ट भी वन टाइम प्रोजेक्ट होते हैं, और जिसको कहें कि एक बार अगर एक बंदे ने लोगो बनवाना है आपसे तो वो एक बार लोगो बनवा के चला जाएगा, अगर उसने वेबसाइट बनवानी है एक बार वेबसाइट बनवाए के चला जाएगा। लेकिन ई कॉमर्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है मिसाल के तौर पर कि अभी ग्रोइंग स्टेज में है और इसका इतना आगे पोटेंशियल आने वाला है कि हर किसी का बिजनेस, अगर वो फिजिकल भी होगा तो उसका बाहर जो है ना ऑनलाइन बिजनेस भी कर रहा होगा वो बंदा। तो आप यहाँ से अभी स्टेप ले लें, मिसाल के तौर पर अभी सीखना स्टार्ट कर दें इसको, अपनी एक्सपर्टीज ले लें इसमें, तो इंशाल्लाह ताला मैं तो कहता हूँ कि सवाल ही नहीं पैदा होता कि आप जो एक नौकरी कर रहे हैं, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो, मैं किसी को इनकरेज नहीं कर रहा कि गवर्नमेंट जॉब ना करें, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो, लेकिन गवर्नमेंट जॉब से आप अच्छा खासा यहाँ से कमा सकते हैं। एक ऑर्डिनरी VA जो है ना, जो मिसाल के तौर पर नया नया वर्चुअल असिस्टेंट है और उसको थोड़ी सी नो हो है इंटरनेट के थ्रू, इंटरनेट के मिसाल के इंटरनेट कैसे चलाना है या चीज़ों को कैसे मैनेज करना है, तो उसके 200, 250, 300 डॉलर तो आम ही है कि वो कमा लेता है। अगर उसको एक ही क्लाइंट मिल गया तो माशाल्लाह से वो एक ही क्लाइंट से मिसाल वो समझ लें कि वो सरकारी नौकरी लगवा के अपनी बैठा हुआ है। या हमारे नेचर में एक चीज़ घुस गई है कि भाई हमारी सरकारी नौकरी होगी तो हमारा हमारी लाइफ जो है ना वो सेट होगी। मैं तकरीबन जो है ना वो बहुत दूर बैठा हूँ सिटी से भी, तो मैं अगर यहाँ से बैठ के कुछ अचीव कर सकता हूँ तो मैं कहता हूँ कि हर बंदा अचीव कर सकता है इसको। तो कोशिश करें अपने माइंड सेट को क्लियर करें इस चीज़ के लिए कि भाई मैंने ये करना है तो करना ही है। तो इंशाल्लाह आगे कोई ऐसी जिसको बोलते हैं कोई मुश्किल आपके सामने सर चढ़ बोलें कि आप इंशाल्लाह इसमें कामयाब होंगे। तो कुछ अमेजोन कितने इलाकों में मिसाल के तौर पर रन हो रहा है, कितने कंट्रीज में अवेलेबल है? सबसे ज़्यादातर जो है ना ये amazon.com जो US मार्केट प्लेस है, ये बहुत बड़ी मार्केट प्लेस है, और आपको पता होना चाहिए कि अमेरिका में जो मोस्टली सेलिंग होती है वो ऑनलाइन ही होती है, फिजिकल नहीं होती। तकरीबन 60 to 70% तकरीबन जो है ना वो ऑनलाइन सेलिंग हो रही होती है। और माजरत के साथ मैं एक चीज़ यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ कि मैं ज़्यादा सराइकी बोलता हूँ, अगर मेरी कहीं पे मिसाल के तौर पर उर्दू के साथ सराइकी मिक्स हो जाए तो आपने माइंड नहीं करना, क्योंकि बाज़ बात बात करते करते जो है ना वो चीज़ें मिक्सअप हो जाती हैं। तो मैं कोशिश तो करूँगा कि उर्दू में बात करूँ, लेकिन अगर कहीं पर सराइकी आ जाए तो आपने उस चीज़ को इग्नोर करना है। तो बात कर रहे थे हम अमेज़ोन की मार्केट प्लेसेस की, तो amazon.com जो है ना अमेरिका की बहुत बड़ी वेबसाइट है, और इसमें तकरीबन कोई काफ़ी सारा रेवेन्यू जो है ना सारी जो भी ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस हैं उनसे डबल है अमेज़ोन का अकेला, और ये तकरीबन 70 to 80% जो है ना US की सेलिंग जो है ना यहाँ से होती है। और दूसरी मार्केट प्लेसेस में UK आता है, मिसाल के तौर पर यूरोप आता है, उसमें UK भी शामिल है, जर्मनी भी शामिल है, इटली भी शामिल है, पोलैंड भी है, और भी काफ़ी सारी मार्केट प्लेसेस इसमें आ जाती हैं। और हाल ही में ये ऑस्ट्रेलिया में भी आया है, और इसको जो है ना अब पाकिस्तान की सेलर लिस्ट में शामिल कर लिया गया, पहले ये सेलर लिस्ट में शामिल नहीं था,
लेकिन अभी थोड़े से हालात ख़राब हो रहे हैं कि पाकिस्तानियों ने थोड़ा सा काम ख़राब करना स्टार्ट कर दिया, तो अभी पाकिस्तान के अकाउंट फिर से बैन होना शुरू हो गए। अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। लेकिन आपके लिए ये बिज़नेस ख़त्म नहीं होने वाला है, क्योंकि हर बंदा अब अमेज़ॉन की तरफ शिफ्ट हो रहा है, वो वहाँ पर LLC बना लेता है या जो भी बना लेता है, तो वो अपना काम वहाँ पर कर रहा है। तो आपने इसके लिए बिल्कुल भी नहीं घबराना। और ये जॉब जो है ना, या ये स्किल जो है ना, ये ख़त्म नहीं होने वाली, क्योंकि आगे ई कॉमर्स का दौर है, तो ये बिल्कुल भी ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि ये चीज़ ख़त्म हो जाए। तो अभी ये टाइम है, लेकिन 2 साल बाद या 3 साल बाद अगर आप दोबारा ज्वाइन करोगे तो ये बहुत कंपटीशन होगा, और आप किसी के साथ कंपीट करना बहुत मुश्किल होगा हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, अमेज़ॉन के बिज़नेस मॉडल की हम बात कर लेते हैं कि अमेज़ॉन के बिज़नेस मॉडल कौन कौन से हैं। फर्स्ट तो प्राइवेट लेबल है। इसमें प्राइवेट लेबल में ये चीज़ होती है कि हमारा ये अपना ब्रांड होता है, ओन ब्रांड, जिसको मिसाल के तौर पर कोई प्रोडक्ट आपने देखी कि ये अच्छी सेल हो रही है, तो उस पर अपना लोगो लगाया और उसको सेलिंग स्टार्ट कर दी उसकी, तो इसको प्राइवेट लेबल कहते हैं, ठीक है। और इसको मिसाल के तौर पर हम सोर्स करते हैं चाइना से, ब्रांडिंग वगैरह होती है इसकी, और मार्केटिंग वगैरह भी ठीक ठाक होती है, उसके बाद हम एक अच्छी प्रोडक्ट जो है ना अपनी लॉन्च कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इंशाल्लाह ताला क्लासेस में इसको डिस्कस करेंगे। तो ये सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी है, तो इसमें मैं इसको बिल्कुल शॉर्ट कर लेता हूँ। तो दूसरा इसका जो मॉडल है वो होलसेल मॉडल है। इसमें हम रीसेलिंग कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर एक रीसेलर है, जो एक होलसेलर कह रहे हैं, उससे हम परचेज करते हैं एक ब्रांड की चीज़ें, तो उसको हम दूसरे सेलर के साथ मिसाल के तौर पर रीसेलिंग स्टार्ट कर लेते हैं, जो ऑलरेडी लिस्ट जो है ना अमेज़ॉन पे होते हैं, उनके साथ हम अपनी ऑफ़र क्रिएट कर लेते हैं, तो उनके साथ चिपक के हम अपनी सेल का शेयर हासिल करना स्टार्ट कर लेते हैं। इसमें हमको बल्क में क्वांटिटी चाहिए होती है, होलसेलर से अथराइज लेटर चाहिए होता है, उसके बाद ही हम ये चीज़ कर सकते हैं। तीसरा जो मॉडल है, बहुत ही कम यूज़ होता है लेकिन बहुत प्रॉफिटेबल मॉडल है, अगर इसको टेक्निक के साथ इस्तेमाल किया जाए, इसके साथ ना PL मिलता है ना होलसेल मिलता है, वो है ड्रॉप शिपिंग मॉडल। इसमें ड्रॉप शिपिंग में ये होता है कि एक मिसाल के तौर पर आपने सोर्स ढूंढा, जो वेबसाइट होगी मिसाल के तौर पर एक दराज है और दूसरी कोई वेबसाइट है, दराज पर एक चीज़ 100 की सेल हो रही है, दूसरी वेबसाइट पर वो 50 की सेल हो रही है, तो हम वही 50 वाली 100 वाली के साथ हम लिस्ट बना लेंगे, अपनी रीसेलिंग की लिस्ट बना लेंगे, उसके साथ मिसाल के तौर पर हम चिपक जाएंगे कि हम भी आपके साथ रीसेलिंग स्टार्ट कर रहे हैं। तो जैसे हमारे पास $100 का ऑर्डर आता है या ₹100 का ऑर्डर आता है, तो हम उसको शिप कर देते हैं दूसरी वेबसाइट से, उसी जो हमको एड्रेस मिलता है दराज की वेबसाइट पर, कस्टमर का एड्रेस मिलता है, उसको हम पिक करके वेबसाइट में जब ऑर्डर शिप करने जाते हैं, तो वहाँ पर हम बायर का एड्रेस डाल देते हैं, तो वो डायरेक्टली हम बाहरी बायर से यहाँ से प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। इसको आप एज ए इन्वेस्टर भी कर सकते हैं, एज ए वर्चुअल असिस्टेंट भी कर सकते हैं, ये बहुत अच्छा मॉडल है। वैसे थोड़े से रिस्क हैं इसको, हम इंशाल्लाह अगर खुदा ने चाहा तो ड्रॉप शिपिंग की जब हम क्लासेस स्टार्ट करेंगे तो उसमें हम कोशिश करेंगे कि इसको कवर कर लें। ये मैंने वैसे भी डिफाइन कर दिया। तो अमेज़ॉन से हम कैसे अर्न कर सकते हैं? एक तो ये है कि हम इसमें अगर अपना ब्रांड बिल्ड करना चाहें या अपना बिज़नेस स्टार्ट करना चाहें तो ही, या तब भी आप कर सकते हैं, लेकिन हम क्योंकि एक जो है ना बिल्कुल पीछे वाले इलाके से, हमारे पास इतनी कोई इन्वेस्टमेंट होती नहीं है, तो हम कोशिश करते हैं कि हम अपनी सर्विसेज दें। तो फ्रीलांसिंग में आप जाके अपनी सर्विसेज बेच के, मिसाल के तौर पर आप वर्चुअल असिस्टेंट के तौर पर काम करके आप ठीक ठाक इनसे कमा सकते हैं, क्योंकि एक बिज़नेसमैन होता है। जी, जो एक बिजनेसमैन होता है ना, तो अगर आप उसको कमा के दे रहे होते हैं तो उसके लिए $500,000 बिल्कुल मैंने नहीं रखता है। तो आप कोशिश करें कि अपनी सर्विसेज दें पहले। मैं यही रिकमेंड करता हूँ कि पहले आप सर्विसेज दें, अपनी सर्विसेज में से अगर आप पैसा कमा लें, उसके बाद अगर आप अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं ना अमेज़ॉन पे, तो फिर आप उसको जो है ना वो ले सकते हैं, लेकिन अपनी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इसमें ना इन्वॉल्व करें, अपनी कमाई हुई जो जिसको कहते हैं हार्ड अर्न मनी यहाँ पर ना डालें। आप सिर्फ वही डालें जो आपने फ्रीलांसिंग से कमाया। अगर आपका मूड बनता है कि मैंने जो है ना अमेज़ॉन पे अपना काम स्टार्ट करना है एज ए प्राइवेट लेबल होलसेल या ड्रॉप शिपिंग के लिए, ठीक है, तो ये चीज़ है कि आप अमेज़ॉन से एक तो अपना ब्रांड बिल्ड करके या अपने खुद का बिजनेस खड़ा करके वहाँ से कमा सकते हैं, या दूसरी चीज़ ये है
कि आप उसमें अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करके भी आप वहाँ से अर्न कर सकते हैं। तो मैं फिर भी यही कहता हूँ कि आप पहले फ्रीलांसिंग से स्टार्ट लें, इंशाल्लाह फ्रीलांसिंग इसकी अभी इतना कंपटीशन नहीं है कि आप इजीली इसमें इन हो सकते हैं। और चलें आगे चलते हैं, किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है यहाँ तक? हेलो शोएब भाई, जिसका क्वेश्चन हो आप उसे कह दें कि वो अपना अनम्यूट करके बोल सकता है। जी, अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो यहाँ तक या पीछे कोई चीज़ रह गई हो तो आप मुझे कह सकते हैं, इंशाल्लाह मैं उसको एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करूँगा। अस्सलाम वालेकुम भाई जान। हाँ जी, वालेकुम सलाम भाई जान, मैं जिला मंडी बावजूद से आप मुझे मीटिंग। जी सर, आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है। और सबसे पहले उसामा भाई का बहुत शुक्रिया जिन्होंने ये जो प्लेटफॉर्म मुहैया किया है। जी, और आपका भी बहुत शुक्रिया जो आप ये एक अच्छी तरह का जो हमें गाइड कर रहे हैं। समझ आ रहा है ना? तो जी पूछना ये था कि जो वर्चुअल असिस्टेंट का जो कोर्स है वो आप जो व्हाट्सएप के थ्रू करवा रहे हैं या एक सेमिनार जो है वो आपने करना था? जी इंशाल्लाह ताला मैं नेक्स्ट संडे आपकी पहली क्लास होगी तो हम जो है ना बेसिक से स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह और आगे इसको लेके चलेंगे इंशाल्लाह। ये तकरीबन कोई 8 से 10 क्लासेस होंगी, हर वीक में एक क्लास होगी सिर्फ, क्योंकि मुझे काम करना होता है और आपको भी प्रैक्टिस के लिए टाइम चाहिए होगा, तो इसीलिए तो मैं जो है ना वीकली करूँगा इंशाल्लाह। संडे को जैसे ही जो पार्टिसिपेंट है वो कहेंगे कि संडे को रात को कर लिया करें तो इंशाल्लाह हम इसको रात को कर लिया करेंगे, रात के 9 बजे, क्योंकि हर बंदा संडे को ईजी होता है और छुट्टी भी होती है, क्योंकि सैटरडे का काम का बर्डन होता है तो बंदा थका होता है, वो अटेंड नहीं कर सकता। तो इंशाल्लाह हम जो है ना संडे को इसको रख लिया करेंगे। तो अगर मिसाल के तौर पर वहाँ पे हमारी जो प्रॉपर क्लासेस होंगी, मेरी तो यही उम्मीद है कि जैसे मैं आपको ईजीली, जिसको कहते हैं ईजी वे में जैसे बच्चों को एक ट्रेन किया जाता है, मैं उसी ईजी वे में लेके चलूँगा आपको। इंशाल्लाह ताला आपको मज़ा भी आएगा और मेरी तो यही कि आप जब ये क्लासेस एंड होंगी तो मेरी कोशिश होगी कि आप कमाने लायक हो जाएं, कमाने लायक कम से कम आपके पास ट्रैक आ जाए कि भाई इस ट्रैक पे मैंने चलना है। बेसिकली इस सेमिनार का यही है कि आपको एक ट्रैक मिले आगे जाने के लिए, आपकी मिसाल के तौर पर कोई स्किल पॉलिश हो आपके अंदर, कोई एक्स्ट्रा स्किल हो, तो उसके बाद ही आप आगे ग्रो कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास एक ही इनकम स्ट्रीम है तो आप कभी भी जो है ना अपने आप को कंफर्ट फील नहीं करवा सकेंगे। अगर आप कोई टीचिंग के शोबे से रिलेटेड हैं या किसी भी शोबे से हैं तो आपकी एक साइड बिजनेस या साइड इनकम स्ट्रीम जो है ना वो लाजमी होनी चाहिए। तो कहने का मकसद ये है कि, और इंट्रोडक्शन का मकसद भी है कि यहाँ से आपको एक ट्रैक मिल जाए, आपको थोड़ी सी मोटिवेशन मिल जाए कि हाँ भाई ये बिज़नेस वाकई ग्रोइंग है, तो आप इसमें इन तो आगे इंशाल्लाह तक बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो आपका वेट कर रहे हैं। जी सर, और किसी का क्वेश्चन है? जी वाले मुस्लिम कि पहले पढ़ा रहे थे सर, किसी का माइक खुला हुआ है या आपकी तरफ से रिंगटोन बज रही है, काइंडली उसको ऑफ करें, मुझे आवाज नहीं। मेरी तरफ से रिंगटोन नहीं है। अच्छा, मैं यही अर्थ कर रहा हूं किसी और से रिंगटोन। अच्छा अच्छा, आप अभी थोड़ी देर पहले फरमा रहे थे कि पाकिस्तान में जो है ना ये Amazon जो है ना जस्ट सेलर किया था। जी जी बिल्कुल। इरफान भाई आप अनम्यूट हो गए, आप दोबारा म्यूट हो गए, आप दोबारा से अनम्यूट कर लें इसको। हेलो इरफान भाई, उसामा भाई मेरी आवाज आ रही है आपको? जी वालेकुम जी, जी आ रही है आपकी आवाज। अच्छा इरफान भाई का माइक ऑफ हो गया, वो क्वेश्चन वैसे टेक्निकल क्वेश्चन था, वो पूछने थे। इरफान भाई आप क्वेश्चन पूछें। नहीं चलें, और कौन क्वेश्चन कर रहा था वो अपना माइक अनम्यूट कर ले। हेलो जी इरफान भाई आप क्वेश्चन करें। हेलो जी, जी आ रही है आवाज आपकी।
मैं ये अर्ज कर रहा था कि आप फरमा रहे थे कि जो पाकिस्तान में जो है ना जस्ट सेलर की हद तक जो है ना अमेज़न स्टार्ट हो गया है, तो इसकी लिमिटेशंस क्या हैं और सेलर के अलावा दूसरा क्या होता है? और एक और क्वेश्चन है कि मैंने इसके बारे सुना था कि आपका कोई फॉरेन में कोई फ्रेंड हो या कोई कंप्यूटर हो सर्वर हो, तो इस तरह कोई ये रोल अब भी है या नहीं है, इस बारे में जानना चाह रहा था। जी बेसिकली पहले तकरीबन 1 साल से 2 साल 1 साल 1.5 साल पहले ये हमारा चक्कर था कि हमको वहाँ पे वहाँ का वीपीएस परचेज करना होता था, जिसको वर्चुअल प्राइवेट सर्वर कहते हैं। लेकिन अब इसका मिसाल के तौर पर जरूरत वालेकुम। नहीं है, इसको आप पाकिस्तान की डिटेल पे बना सकते हैं। जब से पाकिस्तान सेलर लिस्ट में शामिल हुआ है तो हम अपनी डॉक्यूमेंट से इसको बना सकते हैं। पहले क्योंकि पाकिस्तान सेलर लिस्ट में शामिल नहीं था, तो वो हमारा आईपी ट्रेस करते थे। आईपी ट्रेस होने के बाद वो पाकिस्तान का पासपोर्ट भी नहीं एक्सेप्ट कर रहे होते थे, तो वहाँ का हमको डेफिनेटली फ्रेंड चाहिए होता था। उसके बाद हम जो है ना वो सैलरी अकाउंट क्रिएट करवा सकते थे। लेकिन अब ऐसा कोई सीन नहीं है, आप पाकिस्तान की डिटेल पे क्रिएट कर सकते हैं। थोड़े से मसले आ रहे हैं इसमें कि एक बार वेरिफिकेशन होती है, उसके बाद वो आपका अकाउंट डीएक्टिवेट कर देते हैं। लेकिन दूसरी वेरिफिकेशन जब होती है, उसके बाद आपका अकाउंट जो है ना वो रनिंग में आ जाता है। इसमें कोई इशू नहीं है, आप कर सकते हैं। और किसी का क्वेश्चन हो तो वो बता दे, बाकी वरना कंटिन्यू करें। मैंने आपसे ये भाई अभी कंटिन्यू कर लें और इसके बाद एंड में ना फिर क्वेश्चन ऐसे कर लेंगे, ऐसे हर क्वेश्चन बढ़ते जाएंगे। जी जी बिल्कुल, ऐसे कर लेते हैं। तो मेरी स्क्रीन आपको नजर आ रही होगी। जी जी आ रही है नजर बिल्कुल। अच्छा, फ्रीलांसिंग क्या है? बहुत से लोगों का ये क्वेश्चन होगा कि फ्रीलांसर या फ्रीलांसिंग क्या चीज है। फ्रीलांसर मिसाल के तौर पर हम खुद होते हैं जो हम अपनी सर्विसेज बेच रहे होते हैं। फ्रीलांसिंग जो है ना, ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम अपनी सर्विसेज बेचते हैं। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आपको ये चीज़ सीखनी पड़े। ये बेसिकली एक जिसको बोलते हैं ना कम्युनिकेशन स्किल है। इस पे आपको कम्युनिकेशन चाहिए, बस ये मोटे अल्फाजों में ये कम्युनिकेशन स्किल है। इसमें आपको कम्युनिकेशन आनी चाहिए, क्लाइंट के साथ कैसे बात करनी है, उसका प्रोजेक्ट को कैसे समझना है, ये सारी चीज़ें। ये एक ऐसी वेबसाइट है जिससे लोग हमको हायर करते हैं, हमको आवर हायर करते हैं या मंथली हायर करते हैं। ये फ्रीलांसिंग एक प्लेटफॉर्म है बस। या आपको जो लोग कह रहे होते हैं ना, आओ हम आपको फ्रीलांसिंग सिखाते हैं, फ्रीलांसिंग का मकसद ये नहीं होता कि आपको फ्रीलांसिंग सिखा रहे होते हैं, बल्कि वो आपको स्किल दे रहे होते हैं। जब आपके पास स्किल होगी उस वक्त ही आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। अदरवाइज तो ये तो एक प्लेटफॉर्म है, वेबसाइट है। जैसे आप उस वेबसाइट में जाके बैठ जाएंगे तो वहाँ पे जब आपके पास कोई स्किल नहीं होगी तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि वो कोई बंदा आपसे कांटेक्ट करेगा, क्योंकि सर्विस पे कांटेक्ट होता है ना। आपकी स्किल वहाँ पे पब्लिश हुई खड़ी होती है कि भाई मैं जो है ना ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ, मैं वेब डिवेलपर हूँ, या फिर मैं एक अमेजोन का वर्चुअल असिस्टेंट हूँ, या मैं डाटा एंट्री का वर्चुअल असिस्टेंट हूँ। तो ये हमको वहाँ पे अपनी सर्विसेज पब्लिश करनी होती हैं। और साफ जहर है कि जो कंपनीज मिसाल के तौर पर इनमें टॉप फ्रीलांसिंग की जो वेबसाइट्स हैं वो अपवर्क है, फाइवर है, फ्रीलांस है, पीपल पर आवर है, और गुरु डॉट कॉम भी है। और पाकिस्तान की एक वेबसाइट है वर्क चेस्ट के नाम से, जो सर हिशाम सरवर ने लॉन्च की है, तो वो भी फ्रीलांसिंग की वेबसाइट में शुमार होती है। तो फाइवर तो मोस्टली जो है ना 20% चार्ज करता है जब भी एक प्रोजेक्ट हमको मिलता है। मिसाल के तौर पर $100 का प्रोजेक्ट है तो वो हमसे $20 जो है ना वो चार्ज करता है अपनी फ़ी के तौर पे। अपवर्क भी ऐसे ही करता है, और तकरीबन सारी वेबसाइट जो है ना ऐसा करती हैं। वो हमको मिसाल के तौर पर क्लाइंट देती हैं, हमारी सर्विसेज को रैंक करवाती हैं, क्लाइंट तक लेके जाती हैं, और उसके बाद जब हमको प्रोजेक्ट अवार्ड होता है तो अवार्ड होने के बाद जो हमको पैसे मिलते हैं उसमें से फाइवर अपना कमीशन लेता है। तो ये एक मार्केट प्लेस है। इसमें मिसाल के तौर पर एज ए सर्विस प्रोवाइडर हम काम करते हैं। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको हम मिसाल के तौर पर एक स्किल के तौर पर सीख सकें, ठीक है ना। तो ये मैंने वेबसाइट बताई है। इंशाल्लाह आगे चल के जब हम क्लासेस ले रहे होंगे प्रॉपर, तो इसमें हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इनका अकाउंट कैसे बनाना है, या इन पे क्लाइंट से कांटेक्ट कैसे करना है, और कौन सी वेबसाइट कैसे जो है ना वो रन होती है। और वर्चुअल असिस्टेंट जो मोस्टली क्वेश्चन होंगे बहुत से लोगों के कि वर्चुअल असिस्टेंट क्या होता है या कौन होता है, इसके लिए जो है ना वो कौन कौन सी स्किल चाहिए, कौन सी डिग्री चाहिए। तो एक बात मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ कि मैं खुद जो है ना बैचलर जिसको कहते हैं, मैंने बैचलर की हुई है। आपने इंटरव्यू में मेरा सुना होगा,
तो मैंने बैचलर की हुई है, लेकिन मैंने सप्ली के साथ बैचलर की थी, और मेरी सबसे मेन सप्ली जो थी वो इंग्लिश ही थी। तो आपको एक बेसिक इंग्लिश आनी चाहिए, और थोड़ा सा एमएस ऑफिस जैसे होते हैं ना, ओपन कर लें आप, उसमें टाइप कर लें, बस यही चीज़ है। आप वो अगर कर सकते हैं तो वर्चुअल असिस्टेंट आप बन सकते हैं, ठीक है ना। इसमें कोई ऐसी ना तो इसमें एज की हद है, ना इसमें कोई डिग्री की हद है, तो आप इसको आसानी से जो है ना वो सीख सकते हैं, सीख कर अपनी सर्विसेज दे सकते हैं। तो एक ये जॉब होती है, आप घर से बैठ के कर सकते हैं, इसमें कोई टाइम की जो है ना पाबंदी नहीं होती। आप रात को उठें, प्रोजेक्ट पे बिड करें, अगर आपको प्रोजेक्ट अवार्ड हो जाता है, उसको अवार्ड करवाने के बाद थोड़ी सी उसके साथ गपशप लगा लें क्लाइंट के साथ, उसके बाद आप उसको अगर रात है तो आप सो सकते हैं, सुबह को उसके प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हैं, क्योंकि उनको भी पता होता है कि ये एक सर्विस प्रोवाइडर है तो इसके पास और भी काम होंगे। लाजमी नहीं है कि हमारा प्रोजेक्ट है और ये अभी के अभी करके देगा आपको। तो यही मज़े की बात है ना, तो इसके लिए कोई डिग्री रिक्वायर्ड है, ना इसके लिए कोई टाइम रिक्वायर्ड है, ना इसके लिए कोई एज रिक्वायर्ड है। आप इजीली इसमें इन हो सकते हैं, इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। जो लोग कह रहे हैं कि आपकी जो है ना फलां डिग्री हो, फलां डिग्री हो, आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल, ये इंग्लिश जो है ना बेसिक इंग्लिश आपको आनी चाहिए, उनको भी पता होता है, जो गोरे हमको हायर कर रहे होते हैं तो हम बीच बीच में उर्दू के अल्फाज भी बोल रहे होते हैं, इंग्लिश भी बोल रहे होते हैं, और बाज़ का सराकी भी बोल रहे होते हैं, तो इनको ये कोई ऐसा मसला नहीं होता है। उन लोगों को भी पता है कि इनकी जो है ना प्राइमरी लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है, तो ये बस हमने अपना मैसेज कन्वे करना होता है उनको, जैसे कैसे जो है ना वो हमारी बात से जो है ना वो मुतमईन हो जाए, ठीक है ना। तो अब रिक्वायर्ड क्या चीज़ें हैं वर्चुअल असिस्टेंट के लिए, या फिर आपको वर्चुअल असिस्टेंट हो या कोई भी ऑनलाइन काम हो उसके लिए आपको ये रिक्वायरमेंट चाहिए होंगी। एक लैपटॉप हो आपके पास अच्छा सा, जो मिसाल के तौर पे इस चीज़ को मैनेज कर सके, के टूल्स वगैरह चल जाएं, और एमएस ऑफिस या एक्सेल वगैरह चल जाए, और एक कैमरा हो जो हम मीटिंग्स वगैरह के लिए इस्तेमाल करते हैं। मोस्टली जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है तो मैंने 80%, 80-90% क्लाइंट जो है ना वो मीटिंग से क्लोज किए हैं। तो आपने शुरू से ही अपनी प्रैक्टिस बनानी है कि जो भी क्लाइंट हो उसको आपने मीटिंग पे लेके आना है, और इसमें इंटरनेट कनेक्शन आपके पास अच्छा होना चाहिए, क्योंकि मैं तो देहात में बैठा हुआ हूँ तो मेरे पास वैसे ही अच्छा नहीं होता है, तो मैंने प्राइवेट इंटरनेट लगवाया हुआ है, तो माशाल्लाह से वो थोड़ा सा जो है ना मुझे सपोर्ट करता है इंटरनेट की, मैं काम कर सकता हूँ। तो और आपके पास अमेजोन पे अगर आप बात कर रहे हैं तो उसके लिए आपके पास हीलियम 10 होना चाहिए, जंगल स्काउट होना चाहिए, एक ये टूल्स हैं जो हम आगे जाके डिस्कस भी करेंगे कि ये किस लिए इस्तेमाल होते हैं और इनको कैसे इस्तेमाल करना है। ये बेसिकली पेड टूल्स हैं, ये आपने खुद परचेज करना है, कोई 3,500 के आते हैं मंथली के लिए। अगर हीलियम 10 को अलग से आप परचेज करना चाहें उनकी वेबसाइट से तो ये तकरीबन $97 का पड़ता है, $97 का। तो आप ये शेयर बेस में मिलते हैं, लोगों से लोग बेच रहे हैं इस चीज़ को, तो आप किसी ये टूल्स परचेज कर सकते हैं। तो आप सबसे आखिरी जो है ना ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन ये होता है कि एक प्रोफेशनल वीए कितना अर्न कर सकता है। तो इसमें कोई भी लिमिट नहीं है कि आप इसमें से जितना भी अर्न करना चाहें वो कर सकते हैं। आप इसको एज ए एजेंसी अगर इसको लेके चलें अपनी जो है ना, ये आपका फुल टाइम बिजनेस हो, तो आप इसमें से 10,000 $15,000 भी निकाल सकते हैं, क्योंकि एजेंसी जो है ना वो काफ़ी सारे लोग आपके साथ जो है ना वो जुड़ जाते हैं, आप उनको ट्रेन करते हैं, आप खुद ट्रेन करते हैं, या फिर ट्रेंड वीए वगैरह अपनी टीम में रखते हैं, तो काम डिवाइड हो जाता है, काम भी ज़्यादा होता है, और डिवाइड हो जाता है तो उसमें तो बस 10 से 15 हज़ार, 10,000 या $5,000 आपका। लेकिन मिनिमम मैं यही टारगेट रखता हूँ न्यूबी के लिए, जो नया बंदा है, कि वो अपना टारगेट छोटा छोटा बेबी स्टेप ले कि मैंने अभी जो है ना मैंने $5 पे काम करना है, उसके बाद मैं 10 पे जाऊँगा, उसके बाद मैं 20 पे जाऊँगा, फिर 50 पे जाऊँगा। मंथली ऐसे होते हैं कि पहले पहले मंथ आप $200 रख लें कि मैं $200 चार्ज करूँगा, या 150 भी से भी स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है उस वक्त। तो 200 या $250 तो आम ही है, जो हर वीए को भी जो है ना वो यूएस वाले या यूके वाले लोग दे रहे हैं, जर्मनी वाले भी दे रहे हैं। एक प्रोफेशनल वीए जो है ना वो पर मंथ एक क्लाइंट भी उसको 1,500 से $2,000 जो है ना पर मंथ दे रहा होता है,
एक प्रोफेशनल वी, जैसे एक ऑर्डिनरी वी है उसको तो 200-250 वो तो आम ही रखा है, वो तो मिसाल के तौर पर मार्केट में धड़ाधड़ चल रही है। तो अगर आपके पास, ये फ़र्ज़ करें कि अगर आपके पास एक भी क्लाइंट आ गया और आपने उसको अच्छी तरह डील किया, तो इंशाल्लाह मेरी ये कोशिश होगी कि डीलिंग के दौरान भी मैं आपको सपोर्ट करूँगा कि आपके पास क्लाइंट आता है तो मैं जिसको कहते हैं कि फुली सपोर्ट करूँगा, कोई मीटिंग हो आपकी तो मैं आपको सपोर्ट कर सकता हूँ, आपकी मीटिंग करवा सकता हूँ, खुद उसमें ज्वाइन करूँगा पर्सनली क्लाइंट के साथ, उसकी जो प्रोजेक्ट होगा उसको मैं फ़र्ज़ करके सुनूँगा कि उसका प्रोजेक्ट बेसिकली है क्या, उसके बाद मैं आपको बता दूंगा। अगर आपको वहाँ पर भी कोई कन्फ्यूजन हो रही होगी कि मुझे काम समझ नहीं आ रहा, तो पहला प्रोजेक्ट पहले से पहला या दूसरा प्रोजेक्ट मैं 2-3 प्रोजेक्ट में हर बंदे के जो भी मेरे जो है ना इस ग्रुप में हैं या फिर जो अलीपुर से रिलेटेड हैं जो या जनूबी पंजाब से हैं उनको पर्सनली मैं जो है ना वो अपनी फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस दूंगा। वैसे बाहर के लोग भी हैं यहाँ पे तो इंशाल्लाह ताला उन्होंने भी नहीं घबराना, इंशाल्लाह मैं साथ हूँगा। तो आपके पास जब भी ऐसा कोई मसला हो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मेरे पर्सनल नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या फिर हम डिस्कशन एक ग्रुप बना लेंगे, आप वहाँ पर डिस्कशन कर सकते हैं कोई क्वेश्चन हो तो मेरे लड़के जिनको मैंने ट्रेन किया है या मैं खुद पर्सनली उसका जवाब दे सकूँगा। इस तरफ जो है ना आपने इसके लिए आपने टेंशन नहीं लेनी है। तो यहाँ तक तो हो गई थी बात हमारी, तो अब हम बात कर लेते हैं एक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आपके लिए आगे आपकी जर्नी के लिए कि हम वीए के कोर्स में सीखें या क्या जो हम आगे जो है ना करवा रहे हैं। पहला तो स्टेप होता है अकाउंट क्रिएशन का कि अकाउंट कैसे क्रिएट होता है। तो क्योंकि एक इसमें फ़र्ज़ करें कि एक प्राइवेसी होती है, किसी का पासपोर्ट इस्तेमाल करना होता है, क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने होते हैं, तो वो शो करवाना मुश्किल होगा। लेकिन मैं कोशिश करूंगा आपको रिकॉर्डेड वीडियो दे दूंगा, ग्रुप में शेयर कर दूंगा, आपने अकाउंट क्रिएट कैसे होता है वो वहां से सीख लेना है। और दूसरी चीज़ जो इसमें आती है उसमें हम प्रोडक्ट रिसर्च सीखेंगे कि प्रोडक्ट रिसर्च कैसे की जाती है और इसमें प्रोडक्ट को वैलिडेट कैसे किया जाता है, इंशाल्लाह तआला हम डिटेल में सीखेंगे। और ये सारी पॉइंट्स हैं, मैं आपको कोशिश करूंगा कि इसको जो है ना पेटेंट वगैरह है ये सारी डिटेल्स हैं, मैं कोशिश करूंगा कि ये प्रेजेंटेशन आपके साथ शेयर कर दूं। तो दूसरा जो हमारा प्रोडक्ट रिसर्च के बाद दूसरी चीज़ होती है वो सोर्सिंग होती है। हम सोर्सिंग की टिप्स वगैरह के बारे में भी पढ़ेंगे कि सोर्सिंग कैसे की जाती है, अच्छी सोर्सिंग कैसी होती है, तो उसमें हम सारा कुछ इंशाल्लाह ताला वो डिटेल में डिस्कस करेंगे। और इसके लिए आपकी असाइनमेंट्स वगैरह भी होंगी, आपने प्रोडक्ट रिसर्च की भी असाइनमेंट करनी है, उसको सबमिट करवाना है, उसके लिए मैं एक अलग सा सेपरेट ईमेल एड्रेस बना लूँगा जिसमें आपने अपनी प्रोडक्ट रिसर्च करके या जो भी मैं असाइनमेंट दूंगा उसको करके आपने भेजना है। तो मैं उसके बाद यहाँ से चेक करूँगा, अगर किसी भाई की असाइनमेंट में इशू हुआ तो वो मैं इंशाल्लाह ताला आपको ग्रुप में नंबर्स के तौर पर, ये जैसे ही होगा वो हम पूरी कोशिश करेंगे कि क्वालिटी पे फोकस करें, हमारा मकसद क्वांटिटी पे ना। तो जितना भी टाइम होगा मेरे पास लड़के हैं इंशाल्लाह ताला मैं उनसे भी करवा लिया करूँगा, आपका काम खुद भी पर्सनली चेक करूँगा। तो आपने असाइनमेंट नहीं छोड़नी है, मेन चीज़ आपकी असाइनमेंट होगी। अगर आपने असाइनमेंट नहीं की तो आपका ये कोर्स लेने का फ़ायदा ही नहीं होगा। जहाँ से भी लें, चाहे फ्री में लें या फिर आप पेड लें, तो आपको असाइनमेंट जब तक आप हैंड्स ऑन नहीं करेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, उस वक्त तक आपके पास ये नॉलेज जो है ना वो बेकार है। ठीक है ना, पहला हमारा जो है होगा वो प्रोडक्ट रिसर्च का होगा, दूसरा हमारा होगा सोर्सिंग का, और जो हम तीसरी तरफ जाएंगे वो लिस्टिंग होगी। और लिस्टिंग मिसाल के तौर पर एक प्रोडक्ट को कैसे लिस्ट किया जाता है अमेज़ॉन के कैटलॉग में, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। और उसके बाद मेन टॉपिक होता है लॉन्चिंग होती है कि हमने प्रोडक्ट को किस स्ट्रेटेजी से लॉन्च करना है, तो ये भी मैं इंशाल्लाह आपसे डिटेल में जो है ना वो डिस्क्राइब करवाऊंगा और सारा कुछ आपको बताऊंगा कि ये चीज़ें काम कैसे करती हैं और कौन कौन सी मिसाल के तौर पर टूल्स हम इस्तेमाल करते हैं प्रोडक्ट लॉन्चिंग के लिए या फिर रैंकिंग के लिए, वो सारी चीज़ें इंशाल्लाह ताला हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और इसके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है वो PPC होता है। हम इसके साथ ही तकरीबन प्रोडक्ट जो है ना वो लॉन्च करते हैं मोस्टली। PPC ये एक एडवर्टाइजमेंट कंपेन होती है जो अमेज़ॉन की तरफ से हमको मिलती है,
ये बहुत ही टफ टॉपिक होगा इंशाल्लाह ताला, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आपको इजी वे में सिखा सकूँ। अगर मुझसे नहीं हो सकेगा क्योंकि ये बहुत ब्रॉड टॉपिक है, तो मैं किसी एक्सपर्ट को, खुद से ज़्यादा एक्सपर्ट बंदे को लेके आऊँगा आपके पास, तो वो इंशाल्लाह ताला आपको इसमें जो है ना वो डिटेल में सिखा देंगे। वैसे तो मैं कर सकता हूँ, लेकिन मैं कोशिश यही करूँ। आपका माइक म्यूटेड है सर, आपका माइक म्यूट है। कब से म्यूट है ये कोई बंदा मेरा माइक म्यूट कर रहा है। अब देखिए यार, मेरा माइक तो ना म्यूट करें। स्टिल म्यूट, योर माइक दोबारा म्यूट हो गया भाई। यार कौन कर रहा है इसको? ये पीपीसी के बारे में बता रहे थे, पीपीसी के बारे में बता रहे थे, इस वक्त म्यूट हुआ। अभी कंटिन्यू करें, आपकी आवाज आ रही है। यार भाई आप कोई, आप कोई बंदा आए ना तो वो प्लीज खुद बंद कर ले, क्योंकि ऑर्गेनाइजर जो है ना वो मेरा माइक देते देखते हैं और मेरे को ही बंद कर देते हैं। तो कोशिश करें कि आने वाला का माइक बंद करें, क्योंकि मैं क्या पता मैंने कहा कब से बंद है, मैं खुद ही परेशान हो गया। आप देख रहे होंगे बंदा बोल रहा है लेकिन हमारे पास आवाज नहीं आ रही। चलो शुक्र है कि अभी पीपीसी पे ही दोबारा से किसी ने बंद कर दिया। यार बंद ना करो यार, दोबारा से बंद हो गया। अस्सलाम वालेकुम शोएब भाई, अब आपका माइक ठीक है? शोएब भाई खैर है, मेरे ख्याल में आप खुद ही अपना म्यूट कर रहे हैं। नहीं मैं तो था ही उधर के, मैं तो प्रेजेंटेशन पे था, तो पीछे माइक बंद था भाई ने। आप कैरी करें, जो भी न्यू आएगा ना मैं खुद ही उसको म्यूट कर लूंगा, आप कैरी करें। जी ठीक है ना, इसमें पीपीसी है जो हम, पीपीसी बहुत बड़ा टॉपिक है जिसके जरिए हम मोस्टली प्रोडक्ट लॉन्च भी करते हैं, रैंक भी करते हैं, और हमारी कोशिश होती है कि जब तक हमारी प्रोडक्ट रह जाए कैटलॉग में हम अपनी पीपीसी रन करते रहें, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है, और अगर आप दिखाएंगे नहीं तो ये बिकेगा भी नहीं। जैसे अभी टॉप क्लास जो कंपनी है, पेप्सी वगैरह है या फिर कोका कोला है या कोई और कंपनी है, तो अभी हालांकि बहुत बड़े ब्रांड है। जी तो मैं कह रहा था कि ये बहुत बड़े ब्रांड हैं, लेकिन अभी तक भी वो अपनी जो है ना वो कैंपेन वगैरह जो टीवी पे एड वगैरह हैं वो अभी तक भी चला रहे होते हैं, ठीक है ना। तो अमेजोन के सेलर सेंट्रल में हम देखेंगे कि इसमें कौन कौन से एरर्स आते हैं, आपको कौन कौन सी जो है ना चीज़ें फेस करनी पड़ सकती हैं और कौन कौन से एरर से आपने बचना है, और इसमें हम प्रमोशन के लिहाज से सारा कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे कि हम लाइव, मैं कोशिश करूंगा कि किसी लाइव अकाउंट पे आपको पीपीसी सिखाई जाए और किसी लाइव अकाउंट पे आपको प्रमोशन क्रिएट करके दिखाई जाए, और किसी लाइव अकाउंट पे जो है ना अकाउंट का इशू जैसे होते हैं ना वो भी आपको दिखाए जाए। तो ये एक फ्रीलांसिंग के लिहाज से है कि क्लाइंट को कैसे इंप्रेस करना है, ये भी इंशाल्लाह ताला हम वहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हमारा फ्रीलांसिंग का एक आएगा ना जो सेशन होगा, वो कोशिश करेंगे कि हम एंड पे वो सेशन रखें, क्योंकि उसमें आपकी प्रोफाइल भी रेडी करवानी होगी, वो आपने ही करनी है, मैंने नहीं करनी। मैं बता दूंगा आपको कि प्रोफाइल को कैसे करना है, प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज कैसे करना है, तो उसके बाद इंशाल्लाह ताला आप जो है ना वो ऑनलाइन, जिसको कहते हैं ऑनलाइन दुनिया में, अपनी सर्विसेज बेचने के लायक हो जाएंगे। लेकिन आपने उस वक्त तक सर्विस नहीं देनी अपनी, उस वक्त तक अपना अकाउंट नहीं बनाना है जब तक आपका ज़मीर आपको इजाज़त ना दे कि मैं अब स्किलफुल हूँ, कि मेरे पास सारी स्किल्स आ गई हैं और मैं अब जो है ना अपनी सर्विस दूसरों को दे सकता हूँ क्वालिटी में, क्वान्टिटी में नहीं भाई। आपके पास आपका नाम नहीं जाता है ऑनलाइन दुनिया में, हमारे मुल्क पाकिस्तान का नाम जाता है। तो आप कोशिश किया करें कि जब भी किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में अगर आप इनरोल हों तो आप ये चीज़ देखा करें कि आप पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं, आप खुद के लिए काम नहीं कर रहे हैं, आप एज ए पाकिस्तान का एम्बेसडर शो करवाया करें। तो मैं भी यही आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ, क्योंकि मैंने भी हमेशा यही अपने दिल में रखा है कि अगर मेरी वजह से मेरे पाकिस्तान पर आँच आ गई तो मेरी फ्रीलांसिंग का कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो आपने भी यही चीज़ करनी है कि कोशिश करनी है कि मिसाल के तौर पर आप उस वक्त तक प्रोफाइल ना बनाएं, आप में कोई कमी कोताही रह जाती है आप मुझसे पूछ सकते हैं, मेरी टीम होगी आप उससे क्वेश्चन कर सकते हैं कि हमसे ये क्वेश्चन क्लियर नहीं हो रहा, ये पॉइंट हमारा क्लियर नहीं हो रहा, तो आप मुझको दोबारा बता दें, मैं एक की जगह 10 बार बताने को तैयार हूँगा इंशाल्लाह ताला,
या फिर मेरी टीम आपको पूरी सपोर्ट करने के लिए तैयार होगी, लेकिन आपने एथिकल वे से जाना है, कोई किसी भी गोरे की इन्वेस्टमेंट नहीं खानी है, जैसे आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा चल रहा है, वो बेचारे पाकिस्तानियों पे एतबार करते हैं और हम जो है ना उनकी जिसको कहते हैं ना या तो गंदी प्रोडक्ट लॉन्च करवा देते हैं या फिर उनसे पैसे एडवांस में मंगवा के ना वो हम हड़प कर जाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, इसमें आपका नाम नहीं जाता है, इसमें हमारा मिसाल के तौर पर हमारे मुल्क का नाम जाता है, तो इस चीज़ के लिए आपने ख़ास तौर पर ख्याल करना है। तो एक्सपेक्टेशन जो है ना आपकी इसमें आपके लिए क्या होनी चाहिए कि हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होगा, जो मैं असाइनमेंट दूंगा उसमें आपने हैंड्स ऑन होगा, ये स्पेशल हैंड्स ऑन होगा, जो लोग जो तकरीबन जो है ना 190,000 में ये हैंड्स ऑन करवाते हैं, वो भी हमको यही असाइनमेंट दे रहे होते हैं कि भाई ये असाइनमेंट आप कर लो, ये प्रोडक्ट के साथ की एक फ़ाइल बना के आप मुझको दे दो। तो यही चीज़ें होती हैं, मिसाल के तौर पर हम एक मंथ या डेढ़ मंथ का कोर्स लेते हैं, 200,000 का कोर्स लेते हैं और हमारी वीकली एक क्लास होती है और एक क्लास में हमको सिर्फ एक असाइनमेंट जमा करवानी होती है। तो आपने कोशिश करनी है कि ये फ्री है तो आपने इसको फ्री नहीं लेना है, कि ये बिल्कुल फ्री है तो आपने काम ही नहीं करना। अगर आपने काम किया तो इसकी सक्सेस की गारंटी मैं दूंगा आपको कि आप इंशाल्लाह ताला कामयाब होंगे जैसे बाकी लोग कामयाब हो रहे हैं। अभी इसमें बहुत कम कंपटीशन है तो आगे इसका कंपटीशन बढ़ने वाला है। अगर अभी आप इसमें मेहनत करते हैं और मिसाल के तौर पर डेडिकेशन के साथ जाते हैं तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि आपको जॉब्स ना मिले। तो ख़ास तौर पर मैं अपने इलाके के लिए कहता हूँ कि भाई हम एक मस्कीन इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं, आपने इसको सीरियस लेके चलना है और अगर आपको कहीं पे इशू आता है, कोई मसला बनता है आपके साथ, तो आपने पर्सनली मुझे कहना है या फिर अपना उसामा भाई को कह देना है कि शुएब भाई से मिलवा दें, इंशाल्लाह मैं टाइम निकालूंगा, मेरे पास टाइम वैसे बहुत कम होता है क्योंकि मेरे ऑलरेडी प्रोजेक्ट्स होते हैं तो उसमें टाइम निकालना बहुत मुश्किल होता है। काफ़ी दोस्त मुझसे नाराज़ भी हैं, उन्होंने मुझसे टाइम लिया है लेकिन मैं उनको टाइम नहीं दे पाया हूँ और यही वजह है कि पीछे क्लाइंट के साथ कमिटमेंट होती है। हालांकि मेरी दो दिन से तबीयत ख़राब थी लेकिन मैं अपने काम को और इस वेबिनार के लिए भी तैयार हूँ, तो कोशिश यही होनी चाहिए कि जिसके साथ कमिटमेंट हो वो पूरी करें, लेकिन मैं कुछ लोगों की कमिटमेंट पूरी नहीं कर पाया हूँ कि मेरे पास टाइम की कमी थी थोड़ी, उनके लिए मैं पर्सनली माजरत करता हूँ अभी यहाँ भी, और अगर आप मुझे मिलेंगे तो इंशाल्लाह मैं वहाँ भी माजरत कर लूँगा। तो इसमें एक तो होगा आपका हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होगा इसमें, दूसरी इसमें आपको मैं कोशिश करूंगा कि जो आपकी फर्स्ट जॉब है वो मैं अपने हाथों से आपको दिलवा के दूं, आपको पहला क्लाइंट मैं खुद पकड़ के दूं। अगर आपके पास कोई मैसेज आता है तो आप मुझे कह सकते हैं शुएब भाई ये बंदा ये बात कर रहा है, तो आप मुझसे पर्सनली कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मैं उसका जवाब आपको दूंगा, या आप मुझे जूम पे या गूगल मीट पे या फिर यही टीम्स पे ले सकते हैं, मैं उस क्लाइंट के साथ मीटिंग भी कर लूँगा और उसके साथ जो डीलिंग होगी फेयर डीलिंग होगी वो भी मैं इंशाल्लाह करवाऊँगा। तो इसके बाद आप मिसाल के तौर पर पहली जॉब मैं आपको दिलवा दूंगा, दूसरी होगी हैंडलिंग वी ए जॉब्स, जैसे एक आपने जॉब हैंडल करनी है वो सारे जो है ना वो आपको मैं सिखा दूंगा कि आपने एज ए वर्चुअल असिस्टेंट काम कैसे करना है इसमें, या जॉब्स जो आती हैं उनको हैंडल कैसे करना है। मिसाल के तौर पर 10 जॉब्स आ गई हैं आपके पास तो आपसे हैंडल नहीं होगा, तो वो भी मैं आपको टिप्स दूंगा कि आपने उन जॉब्स को कैसे हैंडल करना है, टाइम मैनेजमेंट कैसे करनी है, तो डिटेल में हम इंशाल्लाह ताला आगे डिस्कस करेंगे इस चीज़ को। और ये भी मेरे जिम्मे होगा कि फास्ट इनकम आपकी जो है ना वो पहली जॉब ही मैं दिलवाऊंगा तो इंशाल्लाह वहीं से आपकी पहली इनकम भी आपकी वहीं से बनेगी, और एथिकल फ्रीलांसिंग मैं सिखाऊंगा आपको और आपने भी एथिकल रह के ही जो है ना वो काम करना है। अभी आप बिगिनिंग स्टेज पर हैं और इंशाल्लाह ताला मेरी यही कोशिश होगी कि आप प्रो लेवल तक जाएँ या फिर एक्सपर्ट लेवल तक जाएँ। तो ये था आज का थोड़ा सा कंक्लूजन। तो मैं एक चीज़ आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा कि अगर आप थोड़े से घबरा रहे हो कि मिसाल के फाइवर पे जो है ना आजकल सर्विसेज कितना। हेलो जी सर, शेर सर मैं असलम बोल रहा हूँ, मुझे ये पूछना था कि आपका किस कौन सा कोई डे स्पेशल किया हुआ है कि इस डे को और इस टाइम को हम मीटिंग करेंगे। जी इंशाल्लाह ताला वो मैं ग्रुप में जो है ना वो अनाउंसमेंट दे दूंगा। मेरी कोशिश यही होगी कि हम नेक्स्ट संडे से पहली क्लास अरेंज कर लें, वो टाइम मैनेजमेंट पे डिपेंड करता है कि आया कि उस दिन मेरे कोई ज़्यादा प्रोजेक्ट तो नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह मैं टाइम निकालूंगा, लेकिन फिक्स नहीं है, अगर इस संडे ना हुआ तो नेक्स्ट संडे ज़रूर क्लास होगी। और वीक में एक ही दफा होगी।
जी वीक में एक दफ़ा होगी, और उस वीक में आपने रह के रिसर्च करनी है, काफ़ी सारी चीज़ें जो होती हैं आपको रिसर्च की ज़रूरत होती है, और वीक का गैप भी इसीलिए है कि आप प्रैक्टिस कर सकें। इसमें मोस्टली आपकी प्रैक्टिस होगी। मैं एक मिसाल के तौर पर समझा दूंगा एक आपको एक दफ़ा, अगर कोशिश करूंगा, अगर मेरे पास रिकॉर्डेड रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी, अगर मैं रिकॉर्डिंग कर पाया तो मैं उन लोगों को रिकॉर्डिंग दे दिया करूंगा जो सेशन को ज्वाइन नहीं कर सकेंगे। लेकिन कोशिश किया करें कि सेशन को ज्वाइन कर लिया करें, क्योंकि इसमें आपके जो भी क्वेश्चन होंगे वो उसी वक्त आपको उसका आंसर उसी वक्त आपको मिल जाया करेगा, वरना जो है ना बाद में हो सकता है मैं बिज़ी हूँ या आपके मैसेज ऊपर नीचे चले जाएँ तो मैं जवाब नहीं दे पाऊँगा। तो आपने कोशिश करनी है कि हर सेशन अटेंड करना है आपने, और उसके बाद ही इंशाल्लाह ताला जो है ना वो करेंगे। सेशन तो अटेंड हो जाएगा, लेकिन मुझे उसमें ये आ रहा है ऑप्शन कि हमने इन ट्रेनिंग के दौरान में हम अकाउंट बनाएंगे या जस्ट सिर्फ उसको देखना है कि क्या हो रहा है। अपना अकाउंट बना लें तो वेल एंड गुड, आपने अकाउंट बना लेना है अपना। फाइवर का अकाउंट बिल्कुल ईजी बनता है, जैसे फेसबुक का अकाउंट बनता है, लेकिन अपर का अकाउंट थोड़ा सा मुश्किल है, उसमें आपको वेरिफिकेशन की रिक्वायर्ड होती है बाज़ूकात, क्योंकि अपर की प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है। अगर वहाँ पे ग्राफिक डिज़ाइनिंग के बहुत ज़्यादा जो है ना वो अपना फ्रीलांसर घुस गए, तो वो आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग में आपकी जो है ना प्रोफाइल अप्रूव नहीं करेगा वो, ठीक है ना। तो वो ट्रिक्स वगैरह हैं वो इंशाल्लाह मैं शेयर करूँगा आप लोगों के साथ कि आपने अपर का अकाउंट जो है ना वो कैसे अप्रूव करवाना है, तो उसके लिए भी आपने टेंशन नहीं लेनी है। Upwork है या Amazon है, इनका प्रोफेशनल अकाउंट एक ही दफा बनता है, और अगर वो Amazon का अकाउंट किसी ने भी नहीं बनाना, बिल्कुल भी नहीं बनाना, क्योंकि आप एक सर्विस प्रोवाइडर हैं, तो Amazon का अकाउंट जो है ना जो सेलर हो, जिसने सेलिंग करनी हो, जिसने अपना बिजनेस स्टार्ट करना हो, तो वो बना सकता है, या आपने सर्विसेज देनी हो किसी क्लाइंट को, बाहर का फॉरन का क्लाइंट है, तो उसको आप अपनी सर्विसेज दे सकते हैं कि मैं आपका अकाउंट क्रिएट करके देता हूँ। लेकिन अपना अकाउंट बिल्कुल भी नहीं क्रिएट करना अभी अगर आपने सेलिंग नहीं करनी है, क्योंकि पाकिस्तान में अभी जो मेन इशू चल रहा है, हम पाकिस्तानियों ने जब पाकिस्तान को अलाउ किया था ना अमेज़न ने सेलर लिस्ट में, तो हमारे अकाउंट जो है ना तकरीबन 100,000 के करीब अकाउंट क्रिएट हुए थे 24 घंटों के अंदर, तो सेलिंग इन्होंने की नहीं, तो 3 माह बाद वो अकाउंट दोबारा से डिसेबल हो गए। अब वेरीफिकेशन में वहाँ पर वेरीफिकेशन जो होती है ना वो कंट्री वाइज वेरीफिकेशन होती है, वहाँ पर पाकिस्तान का नाम नहीं आ रहा था, तो हमको तकरीबन 1 माह लग जाता है वहाँ पे अपने सैलर अकाउंट में पाकिस्तान का नाम दिलवाने के लिए कि यहाँ पे पाकिस्तान का नाम डाल दो, हमने अपनी वेरिफिकेशन करनी है। तो आपने अभी अपना अकाउंट नहीं बनाना है, सैलर अकाउंट आपको मिसाल के तौर पर शायद एक्सेस एक दे देगा जो है ना वो क्लाइंट, एक सब अकाउंट बन जाता है आपका, तो आप उस पर काम करना है, ठीक है ना। तो इंशाल्लाह वो मैं दिखाऊंगा कि चाइल्ड एक्सेस आपने कैसे लेनी है, या क्लाइंट के साथ जो है ना वो जब आप बात कर रहे होते हैं या उनके साथ आपकी प्रोजेक्ट पे डीलिंग चल रही होती है, तो वो आपको सब अकाउंट की एक्सेस देते हैं अपने अकाउंट से, ईमेल पे एक्सेस आ जाती है, उसके बाद आप सैलरी अकाउंट बना सकते हैं। वो ऐसे ही होता है, लिमिटेड एक्सेस, उसमें क्लाइंट जो एक्सेस आपको दे देता है, तो वो है। तो अभी कोई और कोई क्वेश्चन है आपका? जी जी हेलो जी हेलो यार मुझे ना 5 मिनट दे दे, सिर्फ 5 मिनट दे दे मुझे, मैं इसको खत्म कर लूं उसके बाद आपकी क्वेश्चन आंसर होंगे। सिर्फ 5 मिनट नहीं बल्कि 2 मिनट दे दे, मैं यहाँ पे आपको सर्विसेज दिखा रहा हूँ जो अमेज़न के रिलेटेड है ना, तो मिसाल के तौर पर अभी मैं वो शो करवाऊँ कि यहाँ पे कंपटीशन नहीं है अभी, ठीक है। तो आपने ईजी होके इसको सीखना है, उसके बाद आपने अपनी सर्विसेज देनी है, ठीक है ना। मैंने यहाँ पे अमेज़न VA लिखा है, अमेज़न VA, तो यहाँ पे चेक करें आपको 2594 सर्विसेज लिस्ट नज़र आ रही हैं, ठीक है ना। तो सिर्फ 2500-2600 सर्विसेज हैं अमेज़न VA के कीवर्ड पे। अगर अमेज़न FBA वर्चुअल असिस्टेंट कर दें, इसमें थोड़ी सी सर्विसेज होंगी, ये देखें 9000 सर्विसेज हैं, ठीक है ना। लेकिन एक अगर आप यहाँ पे डाटा एंट्री लिखें ना, मैं कोशिश करता हूँ कि डाटा एंट्री की आप सर्विसेज चेक करें कि यहाँ पे 64,000 है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कम्पीट करना बहुत मुश्किल है, लेकिन अमेज़न VA या अमेज़न वर्चुअल असिस्टेंट में आपको इजीली जो है ना आप रैंक कर सकते हैं अपनी प्रोफाइल को। और मैं दूसरा प्लेटफॉर्म भी यहाँ पे आपको शो करवाना चाहूँगा, एक दूसरा ईबे का प्लेटफॉर्म है, मैं कोशिश करूँगा कि उसकी भी ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करवाऊँ आप लोगों के साथ, और आप इस प्लेटफॉर्म पर भी काम कर सकें, क्योंकि आपने सिर्फ अमेज़न नहीं सीखना, आपने पूरी ई कॉमर्स सीखनी है।
आपने दराज भी सीखना है, एडसी सीखना है, शॉपिफाई सीखना है, शॉपी सीखना है, लजादा सीखना है, ईबे सीखना है, सारी चीजें आपने सीखनी है, ठीक है ना। अमेज़न ईबे वर्चुअल असिस्टेंट को चेक करें आप, यहाँ पे 4000 सर्विसेज हैं, ठीक है ना। अगर अमेज़न की आप अकेली लिस्टिंग की सर्विसेज देना चाहें ना, तो ये 3300 सर्विसेज हैं। अगर ईबे वीए लिख दें यहाँ पे तो मेरे ख्याल में 200 भी नहीं होगी यहाँ पे। ये हम डिफरेंट कीवर्ड होते हैं जो हम अपनी सर्विसेज में लिस्ट करते हैं। ये देख रहे हैं 132 सर्विसेज हैं, और इसमें चेक करें कि इस बंदे ने के रेट्स क्या है इधर। ये तो बिल्कुल अमेज़न का मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि ईबे वाले लिस्टिंग में थोड़ा सा सस्ते हैं। अच्छा, हम पहले पहले को ओपन कर लेते हैं। ठीक है ना, ये 74,000 ले रहा है पर मंथ का, और 4 बार डेली वर्क कर रहा है सिर्फ, ठीक है ना। 80 आवर का पैकेज है इसका, तो इसके पास आप चेक करें 11 ऑर्डर क्यू में पड़े हुए, ठीक है ना। तो इतना पोटेंशियल है कि 32 रिव्यूज के साथ एक बंदा जो है ना, वो 74,000 अगर उसके पास मिसाल के तौर पर 2 ऑर्डर भी पड़े हो ना, जिसको बोलते हैं ना मंथली के, तो आप हिसाब लगा लें कि तकरीबन 1.5 लाख रुपया उसका सिर्फ 2 ऑर्डर में पड़ा हुआ, और बाकी ऑर्डर तो अल्हम्दुलिल्लाह इस बंदे के पड़े होंगे। हो सकता है कि 4-5 उसके मंथली वाले ऑर्डर हों, और बाकी जो है ना जिसको बोलते हैं छोटे छोटे ऑर्डर हो जाते हैं। जैसे आप किसी ने कहा कि मुझे प्रोडक्ट लिस्टिंग कर दो, तो ये सारी चीज़ें इसमें आती रहती हैं, ठीक है ना। तो ये आपने पोटेंशियल भी यहाँ पर चेक कर लिया। और अपवर्क में तो हर घंटे में तकरीबन कोई जॉब वगैरह आती रहती है, हर घंटे बल्कि हर 20 मिनट बाद। वहाँ पे तो आवरली होता है कि आप एक घंटे का जो है ना $10 ले लें, $5 ले लें। $5 तो मिनिमम है, बल्कि $3 मिनिमम है एक घंटे का। वहाँ पे घंटों वाला काम है, उसमें तकरीबन डेली की 20-25-30 जॉब पोस्ट होती रहती है। वो पोस्ट वाली जॉब्स हैं, मिसाल के तौर पर आपने वहाँ पर बिडिंग करनी होती है। एक क्लाइंट आता है वहाँ पर, पोस्ट लगा देता है अपनी कि मुझे ये सर्विस चाहिए, उसके बाद आपने नीचे जाके प्रपोजल देना होता है, तो ही आप जो है ना वो उसमें जो है ना बिडिंग करते हैं, उसको प्रपोजल लिखते हैं कि मैं भाई इस चीज़ का एक्सपर्ट हूँ या मैं ये चीज़ कर सकता हूँ, इतने चार्जेस मैं लूँगा। तो अगर वो आपका प्रपोजल राइटिंग अच्छी होगी, तो ही वो लोग जो है ना वो क्लाइंट जो है ना आपको अपना प्रोजेक्ट अवार्ड करेगा, और इंशाल्लाह ताला आपको प्रोजेक्ट मिल जाएगा, ठीक है। और मैं अभी स्क्रीन शेयरिंग ऑफ करूँ, और कुछ लोगों के जो क्वेश्चन हों तो वो मुझे कह सकता है, इंशाल्लाह ताला मैं पूरी कोशिश करूंगा। हेलो जी, हेलो जी, सुन रहे हैं मुझे? जी जी, मैं सुन रहा हूं। आप व्हाट्सएप ग्रुप का तذکرہ कर रहे हैं, प्लीज उसका नंबर बता दें, या बल्कि स्क्रीन पे लिख दें, हम स्क्रीनशॉट कर लेंगे। मैं उस ग्रुप में, व्हाट्सएप का ग्रुप जो है ना वो फुल हो गया है, और वहां पे अभी स्पेस बाकी नहीं है, तो हम कोशिश करेंगे कि एक फेसबुक का ग्रुप बना लें। तो मैं आपको पर्सनली, अगर आपके पास उसामा भाई का नंबर है, या फिर उसामा भाई से आप कनेक्टेड हैं, या उसामा भाई खुद वहाँ पे ग्रुप का लिंक शेयर कर देंगे आप लोगों के साथ, तो आपने नहीं, मुझे एक ऐसे फर्लो अकाउंट में मिला था ये आपका जो बैनर था वेबिनार का, और इसके अलावा ये भी तो आपने जस्ट एक ओवरव्यू दिया है। अगर कोई यूजफुल लिंक्स हो, या कोई वेबसाइट, या कोई यूजफुल ई बुक वगैरह, तो इस दौरान हम रीड कर सकें, या कुछ ऐसी चीज भी शेयर। मैं आपको जो है ना, अब पॉसिबल पता नहीं कैसे होगा कि व्हाट्सएप ग्रुप में मैं डालूंगा। अच्छा, आप ना मुझे अच्छा मैं आपको यहाँ पे नंबर दे रहा हूँ अपना, एक मेरी टीम का बंदा है, तो इससे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इंशाल्लाह ये आपको एक फाइल दे देगा, उसको आपने रीड करना है, और मैं एक फाइल जो है ना अपने ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको जो है ना वो क्वेश्चन के तौर पर मैं भेजूँ आपको, तो उसमें आप जो है ना क्वेश्चन को आपने रिसर्च करना है गूगल पे, या जहाँ कहीं भी आप कर सकें, और उसको अपनी वर्डिंग में लिखना है, उसको अपनी वर्डिंग में लिख के आपने सबमिट करवाना है, ठीक है। जी बेहतर है। शुएब भाई, क्या हम ऐसा नहीं कर सकते कि जैसे बड़े प्लेटफॉर्म हैं, जैसे इनेबलर्स है, ई कॉमर्स है, जो भी इस किस्म के प्लेटफॉर्म है, इनकी फ्री एक्सेस भी होती है? फ्री एक्सेस क्या हम ऐसा नहीं कर सकते? 14 से 15 दिन लग जाएंगे। या आप YouTube में जा, मैं वही
मैं वही कह रहा हूँ कि कोई ऐसी चीज दे दें ताकि आप देखें ना, हमारा तो है वीकली और हमारा बिजनेस पे मसरूफियत पे भी है कि कभी नहीं भी कर सकेंगे, तो अगर हम इनको वहां से भी दे देंगे चीजें, ये वहां से भी सारे अपना सर्च आउट करते रहेंगे, रीडिंग करते रहेंगे, सीखते रहेंगे, हाँ वहां से जो चीज समझ नहीं आएगी वो फिर आपसे ये डिस्कस कर लिया करेंगे। हाँ इंशाल्लाह मैं वो कोशिश करूंगा, कोई ऐसी यूजफुल लिंक्स जो है ना वो मैं शेयर कर दूंगा ग्रुप में, और खास मैं अभी आपके साथ अकाउंट क्रिएशन की वीडियो जो है ना वो मैं भेज दूंगा। नंबर मेरे ख्याल में गलत है क्या, एक मिनट, ये नंबर गलत है यार, मैं और दे रहा हूँ, क्या नंबर है? हाँ सुहेब भाई जी जी जी, ये नंबर मैंने आपको भेज दिया, ठीक है, दूसरा नंबर है 0363 वाला, ठीक है ना, तो आपने इस पर कॉन्टेक्ट कर लेना, इंशाल्लाह मैं मटीरियल आपको वहाँ भेज दूंगा। अच्छा शुएब भाई मैं एक बात करना चाहता हूँ यहाँ पे ना, शुएब भाई अगर सुन रहे हैं आप ना। जी जी मैं सुन रहा हूँ। असल में बात ये थी कि ये जो हमारा सरेआम टीम अलीपुर की तरफ से ये जो हमारा एक सेमिनार हुआ है, हम सिर्फ इस सेमिनार के लिए प्रिपेयर थे, उसके अलावा हमारी अभी कोई ऐसी मीटिंग नहीं हुई, क्योंकि हमें कोई इतनी एक्सपेक्टेशन भी नहीं थी कि हमें इतना रिस्पांस मिलेगा। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जितने भी इसमें पार्टिसिपेंट्स हैं, या हमें कुछ थोड़ा सा टाइम दे कि हम उसामा नजर से भी मीटिंग कर लें, हम शुएब और जो हमारी टीम है हम आपस में मीटिंग करके कि कौन सा प्लेटफॉर्म जनरेट करें जहाँ ये पूरे लोग एक तो इकट्ठे हो सके और जहाँ हम सबको मटेरियल प्रोवाइड कर सके। बेशक एक दो नंबर इनको दे दें जिनसे ये हमारे साथ टच में रहे, बाकी जो एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म होगा जहाँ से ये लोग सीख सकेंगे, जहाँ से ये लोग पढ़ सकेंगे, जहाँ ये लोग असाइनमेंट्स अपनी सबमिट करवाए, उसके लिए हमें कम से कम एक दो दिन का टाइम ले ताकि हम कोई एक ऐसा प्लेटफॉर्म जनरेट करें जहाँ पे ये सब लोग इजीली उसे ज्वाइन भी कर सके और वहां से ये सारे अपने इंफॉर्मेशन वगैरह भी ले सके। टेलीग्राम की लिमिटेशन व्हाट्सएप की नस्बत कम है थोड़ी, ये देखें बहुत ज्यादा ऑप्शन है, जैसे फेसबुक का ग्रुप का ऑप्शन है, ये हमें सिर्फ थोड़ा सा टाइम दे दें एक दो दिन का, मैं उसामा से भी बात कर लेता हूँ, शुएब से भी बात कर लेता हूँ, जो हमें इजी रहेगा ना वो हम इंशाल्लाह सबके साथ शेयर करेंगे। फिलहाल हमारे नंबर ले लें आप ताकि हमारे साथ कॉन्टेक्ट में रहे, जैसे ही कोई हमें प्लेटफॉर्म मिलता है हम आपको ना वही उसी सबको उसमें ऐड कर सकते हैं, इसलिए हमें सिर्फ थोड़ा सा टाइम दे दें एक दो दिन का ना बस। जी किसी और भाई का क्वेश्चन है तो वो क्वेश्चन मुझसे कर सकता है अभी। अच्छा टेलीग्राम नहीं चलता, चलो टेलीग्राम नहीं बना रहे हम, सर टेलीग्राम ना पॉसिबल भी नहीं रहेगा, और सेकंड ये कि फेसबुक पर आपसे ना बहुत ही ज्यादा सूटेबल है जी, बाकी व्हाट्सएप ग्रुप भी चल रहे हैं और कांटेक्ट नंबर भी इंशाल्लाह हो जाएंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर फीमेल्स के लिए भी कोई अलग व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे आप या? नहीं हम कोशिश कर रहे हैं कि हम फेसबुक का ग्रुप बना लें तो वहाँ पे आप लोगों के लिए इजी रहेगा, क्योंकि मैं पर्सनली फीमेल का ग्रुप नहीं बनाना चाह रहा, वो आपकी प्राइवेसी होती है उधर, तो मैं जी सर एग्जैक्टली इंशाल्लाह ताला वो सामने रख के ही बनाएंगे, आपको भी डिस्टर्बेंस ना हो इस चीज़ में, और कोशिश करेंगे कि फेसबुक का ग्रुप हो तो वहाँ पे हम आपको मटीरियल जी सर जहाँ पे हम लोग असाइनमेंट्स अपनी सबमिट करा सकें वो। असाइनमेंट आपने ईमेल पे करवानी है, मैं एक सेपरेट ईमेल बनाऊंगा तो आपने जो है ना ईमेल पे ही देनी है। ठीक है सर थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम शेख भाई। वालेकुम सलाम शेख भाई, मेरा सवाल ये था कि भाई नया बंदा हो जिसे पता कुछ ना हो उसे कितना टाइम देना चाहिए दिन में? हाँ ये ज़बरदस्त क्वेश्चन है आपके लिए, काफ़ी सारे लोगों का क्वेश्चन होगा, तो पर्सनली आपको जो है ना टाइम जो शुरू में देना पड़ेगा वो, अगर मैं कहता हूँ कि अगर आप अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं या अपना अपने आप में चेंज लेना चाहते हैं तो कम से कम अपने आप को 3 घंटे दिया करें। 3 घंटे वो समझ लें कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट के तौर पर खुद को दे रहे हैं, अपने आप पे ये इन्वेस्ट कर रहे हैं आप लोग, तो 3 घंटे डेली के आप दें अपने आप को, और 3 माह के लिए अपने आप को जो है ना दूसरी एक्टिविटी जैसे है ना कि किसी होटल पर बैठ के चाय पी ली या रोड पे घूमने चले गए तो उस चीज़ को आप थोड़ा सा रोक लें, तो मैं कहता हूँ 3 माह आपके लिए काफ़ी हैं, और आपको 3 माह के बाद खुद को देखें कि आप में कितना चेंज आया। चलें ठीक है शुक्रिया। अच्छा तो शुएब भाई थोड़ा सा मैं ये इसको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिएगा थोड़ा सा। मैं ये चाहता हूँ कि जो लोग ये सोच रहे हैं कि शायद हम ना कर पाए, हम बिल्कुल जीरो हैं या हमें कुछ पता नहीं है इसके बारे में, हमसे नहीं हो सकेगा, तो मैं इन सब लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि ये जो हमारे शुएब भाई आपके सामने बैठे हैं इस वक्त, और ये उसामा भाई की बहुत मेहरबानी है कि इन्होंने इनको अप्रोच किया और अपने अलीपुर के एरिया के लिए इन्होंने एक ये सेमिनार
रखा है। मैं शुएब भाई की स्टोरी बताना चाहता हूँ कि हमारे टीचर हमारे मेंटोर इस वक्त शुएब भाई हैं। मैं पिछले 2 वीक से इनके साथ लगा हुआ हूँ, इनको मैंने ज्वाइन किया हुआ है, मगर शुएब भाई का मेंटोर कोई नहीं था, शुएब भाई का टीचर कोई नहीं था, शुएब भाई का मेंटोर कोई नहीं था, शुएब भाई का सिर्फ टीचर और मेंटोर यूट्यूब थी या गूगल था। इन इस बच्चे ने इस लड़के ने सिर्फ खुद से सीखा है, अपने अजमतपुर अलीपुर से 10 किलोमीटर दूर है दरिया के पास, ऐसा एरिया जहाँ नेट नहीं आता, उस बच्चे ने वहां से सीख के आज ये माशाल्लाह बहुत कुछ है हमारे लिए। तो मैं उन लोगों के लिए जो ये सोच रहे हैं कि हम बिल्कुल जीरो हैं, हमें कितना टाइम देना चाहिए या हम नहीं कर पाएंगे, हमारी इंग्लिश नहीं आती, शुएब भाई ने खुद बताया कि मुझे इंग्लिश में सप्ली थी, तो आप सिर्फ शुएब भाई की एग्जांपल सामने रखें कि इस बच्चे ने अलीपुर से 10 किलोमीटर दूर दरिया के पास एक अजमतपुर की बस्ती में बैठ के, जहाँ नेट के सिग्नल बड़ी मुश्किल से आते हैं क्योंकि मैं वहां जाता हूँ मुझे पता है कि वहाँ नेट क्या क्या प्रॉब्लम है, इन सारे सिनेरियो को इसने बंदे ने फेस करके आज ये बंदा किस जगह पे बैठा। तो आप अकमल भाई आपको कुछ समझ आता है मेरा? शुएब भाई मुझे देखें, मैं फ्रीलांसिंग में पिछले 3 मंथ से हूँ, मैंने जब से आपको ज्वाइन किया है आप, मेरी कंडीशन भी आपके सामने है, आप तो मुझे रोजाना मिलते हैं और आपको भी सब कुछ, और माशाल्लाह मैंने आज ना अपना अकाउंट भी क्रिएट कर चुका हूं मैं ना, जैसे आपने मुझे गाइड किया है, और पिछले तकरीबन 10 दिन से ही हम आपके पास आ रहे हैं, कोई इतना बड़ा ये मसला नहीं है इसको सीखने का, करना सिर्फ एक लगन है कि जो हम यार हम अपने टाइम जाया करते हैं इधर उधर बैठ के यारों दोस्तों में होटलों में बैठे चाय पी रहे हैं, सिर्फ एक सोच है, वो सोच आप 1 मंथ के लिए रख लें, वो सोच आप 2 मंथ के लिए, सीखना है ना वो सीख जाएंगे, हर कोई सीख जाएगा, और जैसे शुएब भाई जैसे आपको एक्सप्लेन करते हैं अलीपुर के लिए बहुत बड़ी नेमत है, आप यकीन करें इनेबलर वाले एक्सट्रीम कॉमर्स वालों का यही कोर्स 45,000 में वो लोग करवा रहे हैं, और वो सिर्फ वीडियोस हैं, कोई फिजिकल नहीं है, कोई कुछ नहीं है, और ये तो शुएब भाई की मेहरबानी है कि वो लोग आपको फ्री प्रोवाइड कर रहे हैं, जिनको जो सोच रहे हैं कि यार हमें समझ नहीं आएगा ये पता नहीं ये क्या तरीका है, आप मैं आपको कहता हूँ कि सिर्फ 15 दिन आप हमें दे दें, 15 दिन इस प्लेटफॉर्म को दे दें, आपको सब कुछ समझ आना लग जाएगा, कोई इतनी मुश्किल चीज नहीं है ये। हेलो जी, बहुत शुक्रिया अकमल भाई, और किसी भाई का क्वेश्चन हो तो वो कर सकता है, अपना माइक म्यूट करें और उसके बाद वो क्वेश्चन कर सकता है। आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही है। दो बंदे बोल रहे हैं, प्लीज एक बंदा बोले और थोड़ी आवाज जिस बंदे की कम आ रही है वो ज्यादा बोले। जी भाई शुएब भाई आवाज आ रही है? स्टार्टिंग में क्या सर्विसेज प्रोवाइड की? जी दो तरफ से आवाज आ रही है, पता नहीं एक बंदा बोल ले यार एक ही। हेलो हेलो आपने प्रोडक्ट रिसर्च करनी होती है, जब एक क्लाइंट को पूरा प्रोजेक्ट देना होता है तो मैंने प्रोडक्ट रिसर्च से स्टार्ट किया था पर्सनली, और दूसरा जो है ना मुझे प्रोजेक्ट मिला था अकाउंट हैंडलिंग का, जिसमें मैंने पीपीसी सिर्फ हैंडल करनी थी कि उसको जाके कीवर्ड रिसर्च की, उसकी कीवर्ड रिसर्च करने के बाद मैंने उस कीवर्ड के ऊपर उनकी पीपीसी चला दी बस, और मैं पीपीसी चला के उनसे $300 लेता था हर मंथ, उसमें कोई टके का काम नहीं था, मैं जाता था उसको ऑप्टिमाइज़ करता था, कीवर्ड वैसे अच्छे थे वो, आपको अगर उनके कीवर्ड अच्छे मिल गए तो आपने सुकून से रहना है, क्लाइंट भी खुश होगा और आप भी खुश होंगे इंशाल्लाह। तो वो सिर्फ आपने पीपीसी चलानी है, उसके बाद आपने उसकी मॉनिटरिंग करनी होती बात, उसमें और कोई चीज़ नहीं करनी होती, तो ऐसे समझ लें वो आपके मुफ्त के पैसे होते हैं, वो आपको आ रहे होते हैं। ठीक हो गया, क्वेश्चन। हेलो शुएब भाई। जी जी हाँ शुएब भाई, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि इस चीज़ पे मेरा काफी अबूर है ना, मैंने वीडियो वगैरह देखी है सब कुछ, मैंने अपनी प्रोफाइल भी बना ली है, लेकिन शुएब भाई मुझे काम नहीं मिल रहा, वो रिव्यू लगाने पड़ेंगे या कोई और मसला है? आपने कब से प्रोफाइल बनाई है? सर ये तकरीबन 1 माह हो गया। 1 माह हो गया, थोड़ा सा वेट कर लें इंशाल्लाह ताला आने लग जाएंगे, वरना रिव्यूज वगैरह लगवाए जाते हैं एक अच्छा भी नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह ताला हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे फ्रीलांसिंग वाले जो हमारा लेक्चर होगा उसमें। अच्छा सर, ओके सर, थैंक यू। और किसी का क्वेश्चन हो?
वालेकुम सलाम भाई, आपकी बहुत कम आवाज आ रही है, आप थोड़ा सा ऊंचा बोलेंगे तो मैं सुन सकूंगा। शहजाद अली मेरा नाम है जी। पूछना ये था कि अमेज़न का काम हमें फाइवर से और फ्रीलांसर से पकड़ना होगा वहां पे या अलग पे, इसकी कोई वेबसाइट हो? जी, आपको फाइवर से, अपवर्क से, फ्रीलांसर से, गुरु से और वर्कचेस्ट से, यहाँ से आपको काम पकड़ना होगा। लेकिन मोस्टली आपको काम जो है ना फेसबुक के डिफरेंट प्लेटफॉर्म, फेसबुक के डिफरेंट व्हाट्स, फेसबुक ग्रुप बने हुए हैं ई कॉमर्स के रिलेटेड, वहाँ पे आप जाके डेली की एक पोस्ट लगा दिया करें कि भाई जैसे इंफॉर्मेटिव पोस्ट होती है प्रोडक्ट रिसर्च के लिहाज से, कोई टेक्निक्स वगैरह शेयर कर दिया करें, तो वहाँ पे लोग आपको डायरेक्टली अप्रोच करते हैं। और मोस्ट काम जो है ना आपको शुरू शुरू में, तो आप कोशिश यही करें कि आप फेसबुक में घूमें फिरें और वहाँ पे अपनी जैसे कोई क्लाइंट का क्वेश्चन आया हुआ है वहाँ से आप उसके क्वेश्चन को रीड करें और उसका आंसर दें वहाँ पे। अगर आपको आंसर नहीं आता आप मुझे कह सकते हैं, मैं उसका आंसर आपको दूंगा, आपने वहाँ पे जाके पेस्ट कर देना है। गुड हो गया। और दूसरा सवाल ये है सर कि अब हमने काम पकड़ लिया वहाँ से पाकिस्तान में, अकाउंट डायरेक्टली तो पेमेंट इसमें नहीं आती, अक्सर पेपाल का हम अकाउंट, पेपाल तो पाकिस्तान में नहीं है, फिर हम कौन सा तरीका इस्तेमाल करें? जी मोस्टली हम पेयोनीर पेमेंट मंगवाते हैं, ठीक है। जी पीको वर्कर ये बहुत ही गंदी वेबसाइट है, इसमें आपका पता नहीं कितना दिन लगते हैं आपको बनाने में, एक दोस्त ने बनाई हुई थी तो वो मुझे दिखा रहा था कि ये मैं यार एक प्रोजेक्ट कम्प्लीट करता हूँ 0.005 सेंट मिलते हैं। अच्छा मैं आपको बता रहा था कि आपने जो है ना पेयोनीर का अकाउंट सबसे पहले बनाना है और उसके बाद उस पेयोनीर को आप डायरेक्टली पाकिस्तान के बैंक के साथ अटैच कर सकते हैं और जैज़ कैश के साथ भी अटैच कर सकते हैं। मैं पर्सनली जैज़ कैश यूज़ करता हूँ, वो डायरेक्टली लिंक हो जाता है पेयोनीर के साथ और डायरेक्टली लिंक हो जाता है फाइवर के साथ। वन क्लिक पे पैसे आपके पेयोनीर में आ जाते हैं और वन क्लिक में तकरीबन 5 सेकंड में लगते हैं आपके जैज़ कैश में आ जाते हैं और वहाँ पर आप पाकिस्तान बैंक भी यूज़ कर सकते हैं, कोई भी HBL हो, UBL हो, मिज़ान हो, तो वहाँ पर आप उसकी इन्फॉर्मेशन डाल के वहाँ से विदड्रॉ कर सकते हैं। सर एक आखिरी सवाल है मेरा कि फाइवर पे अकाउंट बना लिया, फाइवर पे बहुत अच्छी प्रोफाइल बना ली, फिर यकदम दूसरे दिन, तीसरे दिन या किसी भी वक्त वो हमारा अकाउंट वहां पे, तो फिर दोबारा हमें प्रोफाइल बनानी पड़ेगी? आवाज आपकी कट गई थी, आप दोबारा बोले इंशाल्लाह मैं इसका आंसर दूंगा आपको। दोबारा बोले, आपकी आवाज कट गई थी लास्ट क्वेश्चन की ना। मेरा सवाल ये है सर कि फाइवर पे अक्सर अकाउंट डिसेबल हो जाता है जी, तो क्या वही रिकवर हो सकता है या फिर से दोबारा फाइवर पे अकाउंट बनाना पड़ेगा? आप रिकवरी उसके ईमेल चेक करें कि उसने आपको कौन सी स्ट्राइक के ऊपर या कौन सी वॉलेट पर आपके अकाउंट सस्पेंड किया है, ठीक है ना। मोस्टली अकाउंट रिकवर हो जाता है, लेकिन अगर आप एक ही लैपटॉप पे दो अकाउंट बनाओगी तो दोनों ही सस्पेंड हो सकते हैं, या एक तो लाजमी सस्पेंड होगा या एक ही इंटरनेट पे एक ही, जैसे हम जैसे लैंड केबल लगा लेते हैं, एक लैपटॉप को लगा ली फिर दूसरे को वही लैंड केबल लगा दी, तो आपको आईपी सेम होता है, उस आईपी की वजह से आपकी आईडेंटिटी डिसेबल हो जाती है और वो वाली रिकवर नहीं होती है मोस्टली। अगर कोई स्ट्राइक की वजह से मिसाल के तौर पर आपकी आईडी गई है तो वो रिकवर हो सकती है, पर अगर आपकी वजह से हुई है तो वो फाइवर इसको अलाउ नहीं करता है। क्या मल्टीपल प्रोफाइल जो है ना एक लैपटॉप से बनाए या मल्टीपल नेम से आप जो है ना एज ए सेलर वहाँ पे लिस्ट हो जाएं, तो फाइवर इसको जो है ना वो फाइवर इसकी इजाजत नहीं देता है। शुक्रिया सर, थैंक यू। ठीक है, और किसी का क्वेश्चन हो तो भाई मेरे, अस्सलाम वालेकुम शुभम भाई। वालेकुम सलाम शुभम भाई, आपने जो बताया कि आप वर्क में लिख के जमा करवाना होता है, तो हमने फाइवर अकाउंट बनाया हुआ है, तो वहाँ पे हमें क्लाइंट देगा या हम प्रपोजल लेके वहाँ अपवर्क पे जमा करेंगे? अपवर्क पे प्रपोजल राइटिंग जो है ना बेसिक बंदे के लिए बहुत मुश्किल है, आपको प्रपोजल राइटिंग काफ़ी प्रैक्टिस के बाद आती है और यहाँ पे आप पहले फाइवर की बायर रिक्वेस्ट होती है, उस पर आप प्रपोजल राइटिंग करते रहें, उसके बाद आप अपवर्क पे जाएं, क्योंकि अपवर्क का एक कनेक्ट ज़ाया होता है। मिसाल के तौर पर जब आप एक सबमिट करते हैं ना जॉब पोस्ट, वहाँ पे 6 कनेक्ट की एक पोस्ट लगती है और तकरीबन $10 से $15 के 100 कनेक्ट आप मिलते हैं,
ठीक है ना, अगर आपका मिसाल के तौर पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अपवर्क को देना चाहते हैं, उनसे कनेक्ट लेना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं वहाँ पे प्रैक्टिस। लेकिन मैं आपको कहूँगा कि फाइवर पे 20 जो है ना फायर रिक्वेस्ट आप डेली की भेज सकते हैं, आप उसी 20 पे प्रैक्टिस डेली तकरीबन 200-300 वहाँ पे पोस्ट आई खड़ी होती हैं, तो वहाँ पे आप अपना प्रपोजल राइटिंग की जो प्रैक्टिस कर सकते हैं। लाजमी नहीं वहाँ पे आपको क्लाइंट मिले, मोस्टली वहाँ से क्लाइंट नहीं मिलता है बायर रिक्वेस्ट से, लेकिन आप बायर रिक्वेस्ट लाजमी दिया करें, वहाँ से आपकी कन्वर्जन के चांसेस निकल सकते हैं। जी किसी और भाई का क्वेश्चन हो? जी आप दोबारा बोलें, कौन सा क्वेश्चन था आपका, समझ नहीं आया पूरा। सर मैंने ये कहा है कि लोगो डिजाइन और वेबसाइट डिजाइन जी, क्या हम इसके एड्स इसमें दे सकते हैं फाइवर पे? फाइवर पे हाँ, आप हर चीज की सर्विसेज दे सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप लोगो डिजाइनर है, वहाँ पे आप लोगो डिजाइन की सर्विसेज दे सकते हैं। यार फाइवर पे तो आपको दाता दरबार की दुआएं भी मंगवाई जा सकती है, आप लोगों का कह रहे हैं। सारा कुछ चल रहा है आजकल फाइवर पे, हर चीज चल रही है। कोई और क्वेश्चन? क्योंकि अभी आप अगर लोगो डिजाइन में जाएंगे ना, लोगो डिजाइन में बहुत सैचुरेशन है, बहुत से लोग जो है ना, ये एक खासतौर पर एक हार्ड स्किल है और बहुत कंपटीशन है इसमें, और इसमें आपको ठीक ठाक तकरीबन 4-5 साल की प्रैक्टिस करनी होती है, उसके बाद ही आप इसमें जो है ना वो ग्रिप बना सकते हैं, एक अच्छा जिसको कहते हैं ग्राफिक डिजाइनर बन सकते हैं। जी किसी और भाई को? भाई मेरे ख्याल में हम अब इसको कंक्लूड करना चाहिए। एक क्वेश्चन है इधर, मिसाल के तौर पर एक भाई मुझे कह रहे हैं जी जी, चैट में इनके क्वेश्चन है। अच्छा पीको वर्कर वाले का तो हो गया था भाई। पेपल का सलूशन यही है कि आप VPS इस्तेमाल करें, ठीक है। VPS अगर आपने पेपल बनाना है तो आपको बाहर LTD या LLC रजिस्टर करनी होती है, उसके बाद आप बिजनेस जो है ना, बिजनेस पेपल जिसको कहते हैं, वो अपना सकते हैं, ठीक है ना। इसका यही एक ही सलूशन है, क्योंकि पाकिस्तान में तो अलाउ नहीं है। या तो आपको UK की LTD बनानी होगी, या फिर USA की LLC रजिस्टर करनी होगी, उसके बाद ही आप उसी LLC या LTD के बिहाफ पे आप पेपल बना सकते हैं, और उसको पाकिस्तान में डायरेक्टली एक्सेस नहीं करना, आपने VPN का इस्तेमाल करना है या VPN का इस्तेमाल करना है, तो उसके बाद ही आप इसको यूज़ कर सकते हैं। वैसे मोस्टली जो रह जाते हैं लोग, पेपल यूज़ करते रहते हैं, अगर वो पाकिस्तान में आए तो उनको मसला नहीं है, लेकिन अगर हम क्रिएट ही पाकिस्तान की डिटेल पे बनाएंगे तो वहाँ पे आपको इशू जो है ना वो फेस करना पड़ सकता है, वो उसी वक्त जो है ना डिसेबल कर देते हैं, ठीक है ना। और पेवनीर एक बैंकिंग सर्विस है, वर्चुअल बैंकिंग सर्विस है, जैसे पेपॉल है उसी तरह की है, आप इसको गूगल करें, इंशाल्लाह आपको इसके आंसर जो है ना वहाँ पे मिल जाएंगे। बिल्कुल इसकी तरह है, पेपॉल की तरह ही है, इजीली बन जाता है। हेलो जी, हेलो सर, सुन रहे हैं? जी जी बिल्कुल। शुएब भाई, हमने, मैं हूँ और एक मेरा दोस्त है जी, हमने साथ में काम शुरू किया था जी, यही वाला जी जी, लेकिन काम नहीं मिल रहा सर, बहुत मुश्किल है काम। साफ जाहिर है यहाँ पे बहुत सारा कंपटीशन है, तो आपको काम मिलने में थोड़ी सी देर लग सकती है, ये जिसको कहते हैं क्विक स्कीम नहीं है, तो इसमें थोड़ा सा आपको सब्र करना होगा, और ये जॉब भी उन लोगों के लिए है जो लोग सब्र करते हैं बस, ठीक है ना। अगर आपने गिव अप कर दिया तो इसको स्टार्ट ही ना करें, इसमें ठीक ठाक टाइम लगता है, 3-6 माह। मैं इसको क्विक स्कीम नहीं कहूँगा कि आपने आज क्लास ले ली तो आपको परसों क्लाइंट मिल जाएगा, तो आपको काफ़ी जो है ना मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है, और इसमें काफ़ी मेहनत दरकार होती है और काफ़ी टाइम दरकार होता है। जब एक बार आपको जॉब लग जाती है, उसके बाद सवाल ही नहीं पैदा होता कि आपका काम रुका उसमें, अगर आपने उसको क्वालिटी वर्क दिया। अगर आपको एक भी क्लाइंट मिल गया तो वो एक क्लाइंट भी आपके लिए काफी है। एक मिनट, कौन है इधर? सर आपको पहले नहीं होगी, उसके बाद भी आप जो है ना फ्रीलांस पे बिड कर सकते हैं, अपवर्क पे बिड कर सकते हैं, इससे पहले तो कोई जिसको बोलते हैं स्किल ही नहीं है तो आप बेचेंगे क्या? पहले आप स्किल सीखें, उसके बाद आप सर्विसेज दें। जी भाई, कौन था? हेलो जी, असलम भाई।
हम इसकी रिकॉर्डिंग कर सकते होते हैं लेक्चर्स वगैरह की? जी आप रिकॉर्डिंग कर लिया करें अपने लैपटॉप से कर लिया करें, क्योंकि मैं इसकी शेयर तो नहीं कर सकता हूँ अपनी तरफ से, क्योंकि मेरे पास बिल्कुल स्लो इंटरनेट होता है, मैं अपने गुजारे के लिए लगवाया हुआ है। तो मैं नहीं, वो ठीक है, लेकिन इसकी रिकॉर्डिंग के लिए ऑप्शन कहाँ पे है? जी इसको मैंने रिकॉर्डिंग किया है, इंशाल्लाह ताला मैं प्रोवाइड कर दूंगा। आप पता नहीं ये कितना जीबी का बना है, तो कोशिश करूंगा कि ये इसकी फाइल मैं व्हाट्सएप में डाल दूं। व्हाट्सएप में कर लीजिएगा, नहीं तो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं फेसबुक पे अपने पेज के थ्रू डाल लेंगे। जी मैं इंशाल्लाह मैं प्रोवाइड कर दूंगा आपको, दुआ करें कि वो रिकॉर्ड हो रही हो बस इंशाल्लाह। इसके रिकॉर्डिंग का ऑप्शन कहां पे है? इसका रिकॉर्डिंग, इसमें रिकॉर्डिंग नहीं होती है, हमको जो है ना वो मैनुअल रिकॉर्ड करना पड़ता है इसमें। मेन मैनुअल कैसे? मैनुअल जैसे एक रिकॉर्डर आप डाउनलोड कर सकते हैं अपने कंप्यूटर में, रिकॉर्डर की एप्लीकेशंस होती हैं, आप उसको डाउनलोड करें अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करें, जैसे मीटिंग स्टार्ट हो आप उसको स्टार्ट कर दिया करें, जैसे हम मोबाइल से वीडियो बना रहे होते हैं वैसे इनके बिल्ट। जी और किसी भाई को क्वेश्चन हो तो वो कह दें, क्योंकि फिर टाइम काफ़ी हो रहा है। नहीं बाकी फिर इंशाल्लाह ऑन है सलमान भाई का ऑन है, लेकिन वो बोल नहीं रहे। सलमान भी बोले आप क्या कह रहे हैं? अच्छा तकरीबन अगर कोई क्वेश्चन हो तो आपने नोट डाउन कर लेना है, और या भाई रिकॉर्डिंग के लिए सिंपल है। अच्छा चलें ठीक है, तो वैसे मैंने गाइड कर दिया, और मैं कह रहा हूँ कि अगर किसी भाई क्वेश्चन हो इसके रिलेटेड तो आप कह सकते हैं ग्रुप में। हम जैसे उसामा भाई ने कहा है कि उसको किसी वक्त हम जो है ना उसकी प्राइवेसी हटा देंगे, या फिर हम एक सेशन के लिए फेसबुक का ग्रुप बना लेंगे, क्वेश्चन कर लिया करें, इंशाल्लाह वहां पे जल्द से जल्द आपको जवाब मिल जाएगा करेगा। सर फिजिकल तौर पे हम कल आपसे मिल सकते हैं सर? जी आप मुझसे मिल सकते हैं, कोशिश करें कि ना ही मिलें, क्योंकि टाइम नहीं होता इतना, फिर आप हम ना मिले तो आप नाराज होते हैं कि भाई आप टाइम नहीं दे रहे, लेकिन चलो देखेंगे इंशाल्लाह टाइम हुआ तो मिलेंगे। सर आपको फिश वगैरह खिलाएंगे सर, ये क्या हुआ, कब शॉप करेंगे सर? जी जरूर जरूर इंशाल्लाह। थैंक यू भाई। किसी और भाई? अच्छा सर ये क्लासेस कब से स्टार्ट हो रही हैं? जी इंशाल्लाह नेक्स्ट संडे से हम कोशिश करेंगे, नेक्स्ट संडे से हम इसको स्टार्ट करें, फिर देखते हैं जितना जल्दी होगा इसको हम कर लेंगे। अच्छा सर ये क्लासेस गूगल मीट पे हो सकती हैं? अगर वहां से कर ले तो लेक्चर रिकॉर्ड हो जाता है वहां से, और वही लेक्चर अपलोड कर दिया जाए? जी इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि उसकी रिकॉर्डिंग आपको दे दिया करूं, लेकिन अगर कभी मुझे भूल जाए तो वो फिर माजरत होगी, क्योंकि जहन मेरा काफ़ी चीज़ों में डाइवर्ट होता है, तो अगर मुझे याद ना हो तो आपने याद दिला देना है कि रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर लेनी चाहिए, मैं वो कर लिया करूंगा, या फिर मैं अपने किसी लड़के को कह दूंगा वो मुझे याद दिला दिया करेगा, या फिर वो खुद ही रिकॉर्ड कर लेगा। जी सर रिकॉर्डिंग बेस्ट रहेगी, क्योंकि सर ये बंदा घर में बैठ के ले रहा होता है लेक्चर। जी जी बंद कर सर, ये चलाएं बंद कर। अस्सलाम वालेकुम। सलाम वालेकुम सलाम सर, क्वेश्चन ये है कि अगर हमें ये के बारे में थोड़ी इसके बारे में थोड़ी हौना हो जाए जी और जी हमें कोई काम मिल जाए एडमिन करें। सर जी कौन कौन बोल रहे हैं? जिनकी क्वेश्चन हो गया वो अपना माइक ऑफ कर दें प्लीज। जी भाई किसका क्वेश्चन था वो अनम्यूट करके आप क्वेश्चन कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर हमें इस स्किल पे थोड़ा बूर हासिल हो गया है, हो गई है, तो कल को हमें कुछ मिलता है तो हम कम्युनिकेशन पे पूरा नहीं उतर पाते, तो ये कैसे हम उसे हैंडल कर सकेंगे इसमें थोड़ी डिटेल? मैं यही बात कह रहा हूँ आप लोगों को कि अगर आपने एक स्किल प्रॉपर सीखनी है उसके बाद ही आपने नो हाउ करवानी है क्लाइंट के साथ, ठीक है ना, उसके बाद ही आपने जाना है। अगर आपको क्लाइंट मिल जाता है फ़र्ज़ करें तो इंशाल्लाह जिसको बोलते हैं मैं वो हैंडल करवा लूँगा, लेकिन गलती नहीं करनी है, गलती की गुंजाइश ना हो, आपके पास एक प्रोजेक्ट आ गया उसको आपने जाने नहीं देना है,
समझ लें वो आपका आखिरी प्रोजेक्ट है और वो आपका आखिरी क्लाइंट है। अगर आपने उसको खो दिया तो आपकी सारी मोटिवेशन ख़त्म हो जाएगी वहाँ पे। अगर आपसे नहीं हो रहा आप पर्सनली मुझसे कह सकते हैं, मैं अपनी टीम का बंदा दे दूंगा या पर्सनली मैं खुद आपको ज्वाइन कर लूँगा उस प्रोजेक्ट को ठीक करने के लिए या उसको जो है ना सक्सेसफुल बनाने के लिए, लेकिन गलती नहीं करने, गलती की गुंजाइश ना हो बस। बेसिकली मेरा क्वेश्चन ये था कि हम इस इंग्लिश लैंग्वेज पे कैसे बूर हासिल कर सकते हैं, क्योंकि ये टोटल इंग्लिश का ही काम है। हम उर्दू स्पीकिंग तो नहीं बोल सकते ना, या असराकी स्पीकिंग उनके साथ बात कर सकते हैं जी। आप अगर आप क्वेश्चन जैसे चैट में बात कर रहे हैं तो आप गूगल ट्रांसलेटर को इस्तेमाल कर लें, लेकिन आपको इंग्लिश का कोई ऐसा बड़ा इशू नहीं होगा। आप एक आध मीटिंग करेंगे आपको इंग्लिश आ जाएगी, आप उसकी टेंशन ही ना लें आप। चलें ठीक। राफी शाह आप ग्रुप से कांटेक्ट कर सकते हैं, आप जो है ना वहाँ पे जो एडमिन हजरात हैं उनसे कांटेक्ट करें, इंशाल्लाह ताला आपको मिल जाएगा जी। मखलूक खुदा अब पता नहीं नाम तो आपका नहीं शो हो रहा, बहुत शुक्रिया आपका। जी तकरीबन हो गए हैं ना सारे क्वेश्चन जी। जी सर एक रिक्वेस्ट है जी, आप मीटिंग को एंड करते हैं। सो हाउ शुएब भाई जी, शुएब भाई यहाँ एक इसमें चैट में ना किसी का नंबर शेयर कर दें, क्योंकि जो लोग ग्रुप में नहीं है ना वो कम से कम रابطہ तो कर सके ना जी। वो मैंने कोई पता नहीं चैट में एक बार मेरा शेयर कर दें, उसामा का अगर उसामा इजी है तो उसामा का कर दें, अपना अगर आप खुद इजी समझते हैं अपना कर दें ताकि رابطہ कर सके। ये मैंने नंबर शेयर कर दिया है, किसी का कीजिएगा और अकाउंट में से किसी का कर दें ताकि जो रिलेटेड लोग हैं वही उनको गाइड कर सके। मैं ना तो यानी कि बस अल्लाह ने एक वसीला बना दिया कनेक्ट करने का, क्योंकि बाकी तो काम आप लोगों का है जी। वो चले ऐसा नंबर मैंने भेज, शुएब भाई फिर आप में अपना अपनी टीम में से ना किसी का कर दें जी। वो मैंने भेज दिया है। चलो ठीक है, तो शुएब भाई मुझे दो मिनट दीजिएगा, मैं एक ये पूछना चाहूंगा इस वेब सेमिनार में कौन कौन ऐसे हजरात हैं जो अलीपुर तहसील से बाहर के हैं, अगर कोई ऐसे हैं तो कर लीजिए भाई आप इधर, आप मुझे बता देना कि मुझे पता चले कि मैं डीजी खान से हूं जुनैद मोहम्मद, मोहम्मद उमर हूं फ्रॉम लिया। फ्रॉम लिया उमर भाई वेलकम, और जुनैद भाई आपको भी वेलकम। जुनैद भाई आप वो अपने हमारे टीम सरयाम वाले दोस्त तो नहीं है जी? सर कोर मेंबर डीजी खान टीम सरयाम। सर सर जुनैद भाई सर सलामत रहे। और हमारे साथ एक और भी हमारे कोर मेंबर शामिल है आलमगीर भाई। आलमगीर भाई को भी वेलकम। चले जी लैया और डीजी खान से हो गए, इसके अलावा कहीं से कोई भाई? अस्सलाम वालेकुम जी, मैं खुरम जावेद हूँ मुल्तान से। वालेकुम सलाम खुरम भाई, अल्लाह खुश रखे आपको। शुएब भाई से मेरी मुलाकात हुई थी इस फ्राइडे को, मैं आया था अलीपुर तो मुलाकात भी हुई थी मेरी। वाह जी वाह, मिल भी गए आप तो है जी। जी माशाल्लाह भाई मजा आया, वैसे कुछ इंफॉर्मेशन आई है आपको? जी बहुत जबरदस्त माशाल्लाह इंफॉर्मेशन दी है आपने। अभी ना बेसिक हमने ना जीरो लेवल से स्टार्ट किया है, ताकि ना वो जिनको अलिफ बे भी नहीं पता ना उनको भी समझ आ जाए कि ये चीजें हैं क्या। और नेक्स्ट भाई जैसे कह रहे हैं इंशाल्लाह कोशिश यही होगी कि जिस तरह अकमल भाई ने भी कहा कि जो 40,000 और 50,000 चार्जेस कर रहे हैं, हमारी कोशिश है कि हमने तो एक सेटअप किया था जुनैद, इनकी शुएब भाई की मेहरबानी है टाइम निकाला इन्होंने कि हम अलीपुर में इन चीज़ों को आगे लेके चलें लोगों को, तकरीबन साउथ पंजाब पूरे में ही। इसलिए हमने ये कहा था कि जो जहाँ से भी ज्वाइन करेगा बिस्मिल्लाह उसको जितना हमारी तरफ से कोई अगर एक भी यानी कि इस खाते में लग जाता तो हमारा इसमें बहुत बड़ा एक कारनामा होगा अपनी तरफ से, हम तो यही समझेंगे। और बाकी जुनैद भाई आप बोल रहे थे, हुक्म करें सर। जी उस भाई मैं बता रहा था कि पता नहीं क्या मसला था जो लिंक आपने दिया था, मुझे तकरीबन एक घंटा लग गया ज्वाइन करते, उसमें तो इशू चल रहा था, पता नहीं क्या हो रहा था। आपके इंटरनेट का इशू होगा, वैसे सारे लोग ज्वाइन कर रहे थे, वैसे मेरे ख्याल में तो इंटरनेट का इशू होगा आपका। नहीं मुझे लग रहा था एक बंदा ना ऑन होल्ड पे था, शायद आपसे वो हो गया होगा। नहीं ये ऑन होल्ड पे अभी भी एक बंदा है, फैसल रहमान का नाम का बंदा है, तो शायद वो हो गया जी। अच्छा मुझे काइंडली बता दीजिएगा कि शेड्यूल जो आगे का होगा, ताकि मैंने अपनी पूरी टीम को भी इनवाइट किया है इस टीम के लिए, और मैंने अपने ऑफिशियल टीम के फोन में भी मतलब ग्रुप में लिंक शेयर किया था सारा कुछ।
सर बहुत कुछ गुड हो गया। मैं जुनैद भाई बाकी आपसे व्हाट्सएप पे गपशप कर लेंगे इस हवाले से सारी डिटेल दे दूंगा। शुएब भी एंड करें जी भाई, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम दिया। आपने जी एक भाई बोल रहे हैं, उमर भाई बोल रहे हैं। मोहम्मद उमर बात करूं सर, ये मैंने लिंक जो है ना ग्रुप में देखा है, तो मुझे नेक्स्ट टाइम कैसे पता चलेगा कि आपकी जो नेक्स्ट भी इंशाल्लाह उसी लिंक जो है ना ग्रुप में आ जाएगा। दूसरा अभी ये जो चैट चल रही है ना साथ, इसमें शोएब भाई ने नंबर भी भेज दिए, उनको भी सेव कर लें और उनसे आप रابطے में भी आ जाएं। ठीक है। अच्छा जी फाइनली अब मैं इसको कंक्लूड करने जा रहा हूं, शोएब भाई लास्ट में कंक्लूड कर लेंगे। ये बेसिकली दो चीजों से मिलके हमने एक सेमिनार बनाया, एक टीम सरे अलीपुर, सेकंड ई एसेट्स अलीपुर जो कि शोएब भाई रन कर रहे हैं। और टीम सरे हम का सिर्फ इसमें इतना काम है कि आपको और शोएब भाई को कनेक्ट किया हमने, सिर्फ एक पॉजिटिव सोच लेके कि किस तरह ऑनलाइन वर्किंग और प्रोडक्ट काम जो है वो हमारे माशरे में परवान चढ़ पाए, खसूसन ये साउथ पंजाब में और अलीपुर में। तो इसी सोच को लेके चले और इंशाल्लाह नेक्स्ट कोई हमने आपसे चार्ज नहीं करना, किसी किस्म का इंस्टीट्यूट नहीं बनाने जा रहे, कोई अकेडमी नहीं खोलने जा रहे। अल्लाह ने जो भी दिए इसी रिस्क देंगे, इसी वसीले से देगा। हमारी कोशिश ये है वो फ्री ऑफ कॉस्ट 40,000-50,000 भर भर के लोग कोर्स करते हैं उन चीजों में हम, हाँ कहीं कमी कोताही आ जाए तो हमारी तरफ से वो हम ऑलरेडी माजरत करते हैं, इंसान है गलती हो सकती है। और आप सबका शुक्रिया, अल्लाह आपको खुश रखे। शोएब भाई अब आपके जी इंशाल्लाह मीटिंग एंड करते हैं यहाँ पे। आपकी कोई क्वेश्चन हो तो आपने लिख लेने हैं, नेक्स्ट मीटिंग में इंशाल्लाह हम उसको डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट संडे या उससे नेक्स्ट संडे मुलाकात होगी आप लोगों से। बहुत शुक्रिया लोगों को ज्वाइन करने का। अल्लाह हाफिज जी। अल्लाह हाफिज। ओके अल्लाह जज़ाकअल्लाह भाई। अल्लाह हाफिज। रिकॉर्डिंग है। मैं वहाँ से लेके आया।